हो गया लाइव। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज एकदम क्लियर है, राइट? क्या आपको ये सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी, आवाज क्लियर है एकदम एकदम? चैट सेक्शन में फटाफट से लिख के बता दो, सब कुछ क्लियर है क्या? फिर आज का जो एकदम बेहतरीन सा चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी, वॉइस क्लियर है, चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई इशू, कोई लैग नहीं हो रहा रहेगा, राइट? आईपीएल देख के खत्म हो गया क्या? आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। आवाज आ रही है? यस राहुल, आज देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस गुड मॉर्निंग गाइस। लैग कहाँ से हो रहा है? लैग तो नहीं होना चाहिए। अच्छा व्लॉग देख रहे हो अभी? चलो थोड़ा पढ़ लेते, संडे है, ठीक है? और आवाज आ रही है सबको, राइट? यस आर्यन, कार्तिक, सुमित, पूजा, जय, शीतल, प्रीति, नेहा, गोविंदा, सब कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाय हाय हाय, एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? एकदम वाईफाई पे बैठे रहो दूसरे के, या फिर खुद का वाईफाई तो बहुत अच्छा है, ठीक है? फिर आज कर लेते हैं अच्छी तरीके से चैप्टर। तो मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा अकेला, ठीक है? लास्ट तक टिके रहिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज हम लोग। थोड़ा ज़्यादा सीखने वाले हैं क्योंकि संडे है आज, नंबर 1 पॉइंट, और थोड़ा सा अभी एडवांस लेवल पे भी चलना है अपने को, ठीक है? अभिजीत एक बार वापस से देखो बेटा, ठीक है? चलो आगे की तरफ चलते, ठीक है? रवि दुबे जी चलिए आगे चले, ठीक है? स्टार्ट करते आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आ गए ना सारे बच्चे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट होगा हमारा सीरीज के रिगार्डिंग, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक चौथा पार्ट होगा, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, सबको मज़ा आना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मुद्दे की बात है, अभी आपको पेन को नहीं छूना है, आपको खाली थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले इसका जो नाम है वो आपको पता होगा, इसे आपने 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे एकदम ध्यान से, ठीक है? जैसे जैसे मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ पहले उसको समझ लो, कंस्ट्रक्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ना ये यहाँ पर एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है बच्चा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। तो अभी इसमें हम लोग को क्या देखने का है कि ये डायग्राम अपने को कुछ तो भी ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है? तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, देखो ध्यान से नीचे की तरफ, नीचे से स्टार्ट करते, ठीक है? यहाँ पर एक हाई वोल्टेज लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं? वोल्टेज। यहाँ से वोल्टेज लगा रहे, तो हाई वोल्टेज कितना लगा रहे हैं हम लोग? 10,000। कितना वोल्टेज लगा रहे हैं बच्चा? 10,000, ठीक है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वोल्टेज लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? और ये 10,000 वोल्टेज, वो देखो ना, बोलती है ना लड़की, लग गए मुझे 440 वोल्ट के झटके छूने से तेरे। तो 440 वोल्ट के झटके से भी ज्यादा झटका है ये। कितने का झटका है? 10,000 वोल्टेज का। सीटी में आपको पूछ सकता है हाउ मेनी वोल्टेज इज अप्लाइड ओवर हेयर, ठीक है, इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो आपको याद रखना है 10,000। मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे अभिषेक सर को फॉलो कर लेना, जिस दिन 10,000 हो जाएंगे गिव अवे करूंगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है? तो चलिए यहां पर देखिए, मुद्दे पे आइए। यहां पर हम लोग कितने का वोल्टेज लगा रहे हैं? 10,000 का वोल्टेज लगा रहे हैं पहला, कहां से? नीचे से। फिर उसके बाद यहां पर दूसरी चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है? यहां पर एक एक ग्लास ट्यूब है। ये क्या है बच्चा? एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है हमारे पास। क्या है बच्चा? ग्लास ट्यूब है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर की तरफ भी कुछ तो भी है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूम पंप है। क्या है ये? वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप आप लोगों ने देखो किसी के घर पे देखा रहेगा, वैक्यूम, वो कचरा अच्छा साफ करने के लिए आते हैं ना। तो ये वैक्यूम पंप यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पर सिंपली ये लो प्रेशर को क्रिएट करता है बेटा। किसको क्रिएट करता है? अपने को समझ में आ गया, किसको क्रिएट करता है? लो प्रेशर को क्रिएट करता है। पहली चीज अपने को समझ में आ गई कि सर ने बताया कि हाई वोल्टेज है 10,000 वोल्ट का, ठीक है, और ये लो प्रेशर को क्रिएट करता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि लो प्रेशर कितना, कितना लो प्रेशर, तो आपको याद रखना है कितना है, किसी को याद है क्या?
मैं बताता हूँ, 10^-6 mmHg, ठीक है, mmHg, इतना लो प्रेशर ये क्रिएट करता है। इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, देख लो क्या कौन कौन से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा है इस तरीके से। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। तो आपको अभिषेक सर की स्पेशल ट्रिक तो याद ही होगी, कौन सी वाली, याद नहीं है तो फिर मैं वापस से याद करा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था आयन्स, आयन्स में कितने टाइप रहते हैं, दो, कैटायन और क्या होता है, एक एनायन होता है, राइट। अब कैटायन की स्पेलिंग के अंदर जो टी है ना, मेरे को ध्यान से देखिएगा, कौन सा कैटायन की स्पेलिंग का जो टी है ना, ये मेरे को पॉजिटिव के जैसा दिखता है, तो सीधी सी बात है अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये मेरा ट्रिक था, अभिषेक सर स्पेशल ट्रिक, अभिषेक सर नंबर वन ट्रिक। अब देखो कैटायन से ही मैच करता क्या है, कैथोड मैच करता है, क्या मैच करता है, कैथोड। तो ये पॉजिटिव है तो भाई ये सीधी सी बात है ना, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, कैथोड नेगेटिव है तो सीधी सी बात है एनोड क्या हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ऑलराइट, छोटा सा बेसिक था। अब वापस से हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग ना, तीन चीज़ें आप लोगों ने समझ ली अब तक, मैंने आपको समझा दी, सबसे पहले हाई वोल्टेज 10,000 का, लो प्रेशर रहेगा 10^-6 mmHg का, ये आएगा ना 10^-6 mmHg। तीसरी चीज़ आपको मैंने क्या बताई कि यहाँ पर क्या एक कैथोड यूज़ कर रहे हैं और एक क्या यूज़ कर रहे हैं, एनोड। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना सबसे पहले ना कुछ तो भी एक गैस फील होती है, क्या होती है, गैस फील होती है कुछ तो भी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम गैस फील होती है। मैं आपको पूरा का पूरा वर्किंग समझा रहा हूँ कैसे डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं इसके अंदर ना हाई वोल्टेज नीचे से अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, हाई वोल्टेज नीचे से अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ तो भी रेज ऐसे जाती है, क्या जाती है, रेज, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है, मैं समझा के देता हूँ, देखो कैसे ऐसे ऐसे करके रेज जाती है, ऑलराइट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे से आगे की तरफ जारी रहती है, ठीक है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि अगर हम लोग ना यहाँ से कुछ तो भी एक रेज ट्रैवल हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है बच्चा, एक रेज ट्रैवल हो रही है, और वो रेज जो ट्रैवल हो रही है वो कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, कैथोड से। तो अब जब ये कैथोड से जो रेज निकल रही है, ये कहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एनोड की तरफ, कहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एनोड की तरफ, ध्यान से देखिएगा, कैथोड से रे निकली और अट्रैक्ट कहाँ हुई है, एनोड की तरफ, कैथोड से रे आ रही है, ऐसे से करके रे आ रही है, ऐसे से करके रे आ रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, ऐसे से करके रेज आने का काम कर रही है, कुछ इस तरीके से देखिए ध्यान से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे से करके रेज, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से नहीं निकल के आ रही है आगे की तरफ, कहाँ की तरफ आ रही है बेटा, आगे की तरफ आ रही है, समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। पर मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि सर अगर 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 मेरा जो रे है वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, कहाँ से कहाँ निकल के आ रहा है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो सीधी सी बात है सर, अगर वो नेगेटिव से निकल रहा है तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव होगा, रेस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रेस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तभी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। इतना मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत बात गई, मेरे को थोड़ा बहुत समझा। फिर मैंने क्या बोला कि सर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि चलो सर आपको नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और चीज़ समझा के देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इन रेस को ऐसे से कर दिया यहाँ पर, ठीक है, वापस ऐसे से कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पर ना एक ना व्हील रखा, व्हील देखो ना ऐसे करके आता, देखो ना ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे घुमाते थे, गोल 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 घूमता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे की तरफ ऐसे करके ना क्या रख दिया, अरे भाई वो आता नहीं था क्या, वो गोल गोल घुमाने वाला, यार देखो ना ऐसे पकड़ते थे, ऐसे घुमाते थे, याद करो ना ऐसे पकड़ने वाला, वो क्या बोलते थे उसको, हिम्मत, वो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते थे, घूमता रहता था चर्रा चर्रा करके, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बीच में ट्रेंड निकला था वो, ठीक है। पर अब मैंने क्या देखा कि ये अगर ऐसे मैं इसको यहाँ पर बीच में रख रहा हूँ ना, तो ये जो मेरी नेगेटिव वाली रेज है ना, कौन सी वाली, नेगेटिव वाली रेज, ये इससे जाकर के टकरा रही है, ठीक है, इससे जाकर के क्या हो रही है, टकरा रही है, इससे जाकर के ऐसे टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या कर रही है, इसको घुमा दे रही है, इसको क्या कर रही है, घुमा दे रही है। तो मेरे को अभी समझा, अगर ये इस व्हील को घुमा दे रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो भी क्या होगा, मास होगा, इसमें क्या होगा, मास होगा, क्या होगा बच्चा, मास होगा। तभी तो भाई अगर कोई चीज़ सॉलिड चीज़ में से टकराएगी, जैसे अभी मैं इधर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो हवा मेरे से टकराई तो मैं पीछे नहीं गया, हवा से थोड़ी ना पीछे चले जाऊँगा, खाते पीते घर का हूँ, ठीक है ना। तो फिर अगर कोई एक इंसान आकर के मेरे से टकराएगा तो मैं पीछे की तरफ चला जाऊँगा, इसका मतलब जो इंसान मेरे से टकराया उसका कुछ तो भी क्या है, मास है। तो वैसे ही अपने को पता चल गया, पहली बात कि ये यहाँ से निकल रही नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव की तरफ, पहली बात। दूसरी बात, जैसी इससे टकरा रही है तो इसको घुमा रही है, इसका मतलब इसका क्या है, मास है, ये रेस का कुछ तो भी क्या है, मास है।
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि सर ये इसका ना एक शैडो भी बना रहा है। क्या बना रहा है? एक एग्जैक्टली इसका ऐसे ऐसे करके एक शैडो बना रहा है। शैडो रहता है ना परछाई, शैडो भी बना रहा है। ये तीन चीज़ें अपने को समझ आई। और चौथी बात हम लोगों ने क्या समझा कि अगर ये स्ट्रेट ये ऐसे ट्रैवल कर रही है तो फिर ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? सीधी की तरफ। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। किस में ट्रैवल कर रही है बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो हम लोगों ने इसको नथिंग बट क्या कह दिया? कैथोड कह दिया। क्या कह दिया? कैथोड। ठीक है, पर आगे के साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला? आगे के साइंटिस्ट ने ना और भी चीज़ें बताई। ठीक है, मैं भी आपको एक एक चीज़ करके सब इसमें समझाऊंगा, फिर आगे जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ फिर वापस से समझाऊंगा। ध्यान से देखो, आगे के साइंटिस्ट लोग ने ये बोला कि सर आप गलत हो, आप क्या हो गलत हो, ये रेज है ना इससे नहीं निकल रही है, ये रेज ये कैथोड से नहीं निकल रही है। ध्यान से सुनना, ये रेज है ना कैथोड से नहीं निकल रही, ये रेज ना एक्चुअली में क्या पता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रॉन से। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन से, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकलने का काम कर रहे हैं, यहाँ से निकलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? क्या कि अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करूँगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ही ज़्यादा रेज निकलेगा। नंबर वन पॉइंट समझ में आ गया। पहले अपने को लगा कि कैथोड निकाल रहा है, ठीक है, या फिर कोई गैस का उसके अंदर कॉन्सेप्ट आया, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? वोल्टेज के ऊपर। तो जितना ज़्यादा आप वोल्टेज लगाओगे उतना ही ज़्यादा निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज़्यादा रेज निकलेगी। आशा करता हूँ ये बात आपको हमेशा समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन यही निकल के आ गया था हमारा। ऑलराइट, अब आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को समझेंगे इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख करके। समझ में आया? आई होप सो आपको ये समझा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो कि हाई वोल्टेज है कितना है? 10,000। मैंने अभिषेक सर ने बताया 10,000 इंस्टाग्राम फैमिली गिव अवे अभिषेक सर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी? दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि यहाँ पर ना एक वैक्यूम पंप है जो कि लो प्रेशर प्रोवाइड कराता है, कितना? 10^-6 mmHg का। दूसरी बात, तीसरी बात क्या देखा? कि यहाँ पर ना कैथोड है, एनोड है। चौथी बात मैंने क्या बताया? कि भाई ये कैथोड से निकल रही है रेस। और पांचवी बात मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक व्हील रखता हूँ तो ये गोल गोल घुमा दे रहा है इसको, तो इसका मतलब इस रेस का कुछ तो भी मास है। छठी बात मैंने ये बताया कि इसका एक शैडो बन रहा है। सेवेंथ पॉइंट मेरा ये था कि अगर इसका शैडो बन रहा है तो फिर ये कॉन्सेप्ट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। सेवन पॉइंट ध्यान से सुनिए, सेवन पॉइंट मैंने एकदम इंपॉर्टेंट बताया कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही गैस के ऊपर, ना कैथोड के ऊपर, ना ही गैस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज के ऊपर। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज़्यादा रेज निकलेगा। सात आठ पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको इसके ऊपर से जरूर MCQ में क्वेश्चन मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतने अच्छे से करा के दूंगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा फेवरेट चैप्टर है, समझ लो मैं कैसा पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट को मैं मानता हूँ, मैंने थोड़ा सा फास्ट भगाया है, आप लोग खुद से अपनी तरफ से ट्राई करिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? मूल कॉन्सेप्ट दो ही तीन फॉर्मूले थे, वही वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पहले एक एक करके सॉल्व करो या फिर दोनों को एक साथ मिला करके सॉल्व कर लो, कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं अभी हम लोग, मूविंग फर्दर पॉइंट। अब यहाँ तक आई होप सो, आशा करता हूँ आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन बताओ, जल्दी जल्दी। कमेंट आ ही नहीं रहा मेरे को, कमेंट ही नहीं दिखा रहा है। चालू है बच्चे मेरे ख्याल से कमेंट ही नहीं कर रहे, कर रहे क्या? जल्दी जल्दी बता दो, क्लियर है? स्पिनर बोलते हैं, हाँ भाई। ठीक है, डन, आगे की तरफ चले। नो सर, नो सर मतलब डायरेक्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर ना? ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते। ठीक है, आगे चलो, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे चलते, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक एक चीज़ लिखी हुई है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बच्चा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, हिम्मत, आप अपना फ़ोन दो ना, एक मिनट इधर पे लगाऊंगा मैं, ये मेरे में कमेंट नहीं दिखा रहा है, कमेंट नहीं दिखा रहा है मेरे में, दिखाऊंगा नहीं, दिखा नहीं है, माइक ऑफ करना, एक मिनट। हेलो,
एकदम झमाझम तरीके से। चलो एक एक करके पढ़ते इसको, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सील्ड ग्लास ट्यूब है, कैसा है बच्चा, सील्ड एकदम, समझे। और क्या है ये, ग्लास ट्यूब है। वैक्यूम पंप, इट क्रिएट्स अल्ट्रा लो प्रेशर, एकदम लो प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे कि 10^-6 mmHg का। जैसे आज संडे था तो आज ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं था, समझ में आ रहा है ना। इसको चालू कर दो ना थोड़ा सा, अगर 10^-6 है mmHg का, मतलब इतना लो प्रेशर क्रिएट करता है। और फिर इसके बाद हाई वोल्टेज है, मतलब 10,000 वोल्ट, कितना बेटा, 10,000 वोल्ट, थैंक यू। उसके बाद कैथोड है, इसके अंदर एक एनोड है। कैथोड कैसा चार्ज है, सबको पता है भाई, कैथोड के पास चार्ज कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी, नेगेटिव। एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इन दिस कंडीशन रेस कम आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड विच इज कॉल्ड कैथोड रेस। जो रे यहाँ से निकल के आ रही थी ना, ये रे निकल के आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, तो इस रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेस, याद रखिएगा, ठीक है ना। द रे इज कॉल्ड एज व्हाट, कैथोड रे, एनोड रे, नॉन ऑफ द अबव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे कुछ तो भी पूछ लेगा, तो अब याद रखना कैथोड रेस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फटाफट से, द कैथोड रेस मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। भाई देख लो ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव कर रहा है कैथोड रेस, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कैथोड मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। अब आगे की बात समझते हैं, विच शोज दैट द कैथोड रेस हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या दिखाता है कि कैथोड रे के पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव का। तो इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कैथोड रेस आर डिफ्लेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज कंफर्म्स कैथोड रेस हैव नेगेटिव चार्ज। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो क्या दिखाता है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा देता है, तो अपने को कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये अपनी कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ना एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ऐसे ऐसे करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ग्रीन ग्रीन कलर का, ठीक है, क्या लगा देते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो फिर ये जा करके ना इसकी तरफ स्ट्राइक करता है तो चमकता है, जैसे बोलते हैं ना बिजली, वो कौन सा तो कुछ तो भी गाना था, याद नहीं आ रहा, ठीक है, नाच मेरी रानी नाच, बिजली, पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो ये चमकता है ऐसे ऐसे करके, क्या करता है, चमकता है भाई, वो देखा नहीं है क्या, वो चाइना की लाइट चली तो चांद तक, नहीं तो आधी रात तक, तो वैसे ही रहती है ये, जैसे मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा तो ये चमकेगा थोड़ा सा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे की तरफ चलो, देखो नेक्स्ट स्पिन, देखो मैं एक एक चीज वापस से बता रहा हूँ, स्पिन व्हील इज किप्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस। इसको मैंने यहाँ पर आपको याद है ना ऐसे ऐसे करके स्पिन व्हील को, ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे करके स्पिन व्हील को रख दिया था, ठीक है। तो स्पिन व्हील को जैसे ही मैंने रखा ऐसे करके, याद करो ना, अभी भी तो रख के बताया था, स्पिन व्हील को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा रेज आ रही थी तो उसने क्या किया, स्पिन व्हील को घुमा दिया। तो पार्टिकल नेचर, मास इन इट, तो इसके बाद वो क्या दिखाता है कि इसके अंदर मास है। क्रिएट्स अ शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट किप्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ कैथोड। एक शार्प ऑब्जेक्ट दिखाता है वैसे का वैसा ही, एक क्या दिखाता है, उसका शैडो जैसा ऑब्जेक्ट दिखाता है, ठीक है। इनिशियली दिस पार्टिकल्स वेयर नोन एज मैग्नेटॉन्स। इनको स्टार्टिंग में क्या कहा गया था बताइए, इसको देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया था, मैग्नेटॉन्स। लेटर बाद में इनको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना इनिशियली पार्टिकल्स को क्या कहा गया था, मैग्नेटॉन्स। स्टार मार्क कर लेना, अच्छी सी चीज है ये, क्या मार्क कर लोगे, स्टार, ठीक है, मैग्नेटॉन्स। आगे चलो नेक्स्ट, यहां पर देखो एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट देखो। द इलेक्ट्रॉन, अरे एक मिनट रुको, स्टार हो रहा है, वन सेकेंड ना, अब यहाँ पर देखो एकदम क्लियर करते हो चलते। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम बैटरी टू कैथोड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेस। मैंने आपको बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद कैथोड से मूव करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एकदम क्लियर होना चाहिए ये, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड रेस मीन्स चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेस। मतलब भाई जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही ज्यादा रहेगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। अगर आप बैटरी से ज्यादा बड़ी वोल्ट लगाओगे, फटाफट भेजेगा तो फटाफट रेज निकलेगा। द नेचर ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस फील्ड इन द ग्लास ट्यूब। पॉइंट को मार्क करना हीरो, क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ना नेचर ऑफ कैथोड रेस, मतलब जो रेज निकल रही है ना, जो रेज निकल रही है ना, वो जो तू बच्चा गैस फील करेगा ना इसके अंदर, गैस जो तू गैस फील करेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कुछ भी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। मार्क कर लेना इस पॉइंट को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। द नेचर ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड यूज। मतलब भाई जो तू इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता नहीं है। पॉइंट ये सारे के सारे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है ना सब ऐसे, मतलब थ्योरेटिकल वाले पॉइंट है,
समझ में आ गया? और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या देखा, फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि मतलब देखा क्या, उससे निकला क्या। समझे कि नहीं समझे? तो देखो यहाँ पर, कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द पाथ, मतलब वो भाई पाथ में तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको घुमाएंगे लोग, ठीक है। अ स्मॉल लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इट रोटेट्स। भाई जब आप व्हील रखोगे ना बीच में इलेक्ट्रोड्स के, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्पिन व्हील था ना, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। जब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो नेगेटिव वाले किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, पॉजिटिव वाले की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव वाले पॉजिटिव। आप इस बात को याद रखिएगा जीवन में, ये जीवन का एक सत्य है कि याद रखना हमेशा, क्या याद रखोगे हमेशा, जो आपके नेगेटिव रहेंगे ना, नेगेटिव कौन, नेगेटिव ऑलवेज लव्स पॉजिटिव। नेगेटिव हमेशा किसको प्यार करता है, पॉजिटिव को, याद रखना, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे। इसको आप चाहिए तो ऐसे डब्बा बना करके स्टार मार्क करके भी याद रख के रखना, ठीक है। ज़्यादा तो है आपको समझ में आ गया रहेगा, ये हार्ट का सिंबल बना दिया तो ही आप पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हो, क्या ही पता, ठीक है। आगे की तरफ चलते, कंक्लूजन पे आते हम लोग, ठीक है, कंक्लूजन पे आते। कैथोड रेस ट्रैवल, यहाँ पर देखो, कैथोड रेस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अपने को पता चल गया। कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब एक इफेक्ट डालता है पार्टिकल्स के, गोल गोल घुमाता है, ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने को समझ में आ चुका है, कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल लिया इसका, ठीक है। आगे की तरफ चलो नेक्स्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, मतलब जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना उनको समझने की कोशिश करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर ना एक ब्लू कलर का ऐसे, फिर ग्रीन कलर का ऐसे करके एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दो, ठीक है। तो ये हम लोग किसका रख रहे हैं, देखो जैसे ये स्क्रीन है ना, तो इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे हम लोग, किसकी कोटिंग कर देंगे, जिंक की। किसकी कोटिंग कर देंगे, जिंक की। तो ये क्या हो जाएगा, जेड एन सल्फाइड, ऐसा कोटिंग किया हम लोगों ने, ठीक है। क्या किया, कोटिंग किया। व्हेन दे स्ट्राइक ऑफ द फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जेड एन एस, लाइट स्पॉट ऑब्जर्व कैथोड रेस ट्रैवल एट अबाउट 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई इतने की स्पीड से भागती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जब जा करके इसको स्ट्राइक किया ना, तो फिर यहाँ पर जैसी जो भी चमका ना, तो चमकते ही मेरे को समझा कि भाई ये इतने की स्पीड से चमकता है। नहीं समझे, जैसे तो फेल करो फिर। ऐसे करके मैंने इसको ऐसे मारा, यहाँ से ये यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, ऐसे करके ना रेज निकल रही है, ऐसे मतलब ऐसा रेज ऐसे निकल रही है, क्या निकल रही है, रेज ऐसे निकल रही है। तो रेज ऐसे निकल रही है तो उसको स्ट्राइक कर रही है 1/10 स्पीड पे। तो समझने की कोशिश करो, जैसे ना मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ ऐसे करके, 2 मिनट के लिए खाली समझो इसको, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ूँ, ठीक है, ये मेरा दिन क्या फ्लोरेसेंट का स्क्रीन है, ठीक है। तो मेरे यहाँ से क्या रेज निकल रही है, क्या निकल रही है, रेज। तो जैसे वो रेज निकल रही है ना, वो कैसे इसको स्ट्राइक कर रही है ऐसे करके, तो कितने की स्पीड पर स्ट्राइक कर रही है, 1/10 स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। मतलब उसके ऐसा समझ में आएगा, अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर होगा, अरे हम पढ़ा रहे, जरूर क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ कैथोड रेज डिस्चार्ज चार्ज टू मास रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ध्यान से देखना। द नेचर ऑफ गैस टेकन, मतलब भाई पहले ही बताया था जो गैस लोगे उसके अंदर। द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बना रहे थे ना खंबा ऐसे ऐसे कैथोड और एनोड वाला, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, गैस कौन सी और इलेक्ट्रॉन कौन सी, वही चीज़ें एक बार घुमा के वापस से बताया, ठीक है। अब परफोरेटेड गैस स्मॉल होल्स इन कैथोड, अब ध्यान से सुनना। पहले मेरे पास कैसा था, मेरे पास ना ऐसे करके ना वो था इलेक्ट्रॉड, और वो इलेक्ट्रॉड किसका था बेटा, वो इलेक्ट्रॉड था मेरा कैथोड का, किसका था, कैथोड का, ठीक है। अब मैंने इसको परफोरेटेड कर दिया, परफोरेटेड का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे छेद कर दिए, क्या कर दिए, छेद, छेद ऐसे रहते ना, छेद ऐसे 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 बोलते ना, तुझे गोलियों से भून दूंगा, तेरे अंदर बहुत छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि सांस कहाँ से लोगे, और आगे का तो जानते ही हो, राइट। तो वैसे इसके अंदर परफोरेटेड छोटे छोटे छेद कर दिए, तो अब छेद कर दिए, उसके बाद देखो रेड ग्लो बिहाइंड इलेक्ट्रॉड्स, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे निकलना चालू हो गया, ठीक है, ग्लो दिख रहा है रेड रेड कलर का, इट सीम्स रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो अपने को क्या लगा कि भाई इस बार रेज ना एनोड से आ रही है कैथोड की तरफ, ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। अपने को ऐसा लगा ना, जैसे अगर हम लोग इसके अंदर छेद कर देंगे ना कैथोड के अंदर, वो जो था ना ऐसे करके, भाई कैथोड लगाया था ना इधर पे एक ऐसे ऐसे करके एनोड लगाया था, तो अपने को क्या लग रहा है कि जैसे अगर हम लोग इसके अंदर छेद कर देंगे तो ग्लो चालू हो जाता है। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से रे आ रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से, गलत, बिल्कुल गलत है। तो हुआ क्या, एक्चुअली
अब जो बच्चा ध्यान से समझेगा ना उसी को समझेगा ये, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली देख लो यहाँ पर, जैसे कि ना ये समझ लो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है बच्चा एक हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो खाली, यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है आप सबको पता है भाई, क्या पता है अभिषेक सर? एक नंबर। तो हाइड्रोजन भी एक नंबर इंसान है पहले ही है, सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें कितना रहता है? एक रहता है। कितना रहता है? एक, ठीक है, एटॉमिक नंबर एक। तो इसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से समझिएगा, इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से क्या होता है? रेज निकलती है। क्या निकलती है बच्चा? रेज ऐसे करके निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये जो रेज निकल रही है ना, ये रेज आपको पता है कौन सी चार्ज है भाई? नेगेटिवली चार्ज है। अरे हाँ ना, तो ये रेज के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन ना इसको बोलता है, अरे भाई तू वहां कहाँ बैठे हो, हमारे साथ चलो, हम तुमको ले चलेंगे यूक्रेन, ठीक है। तो ऐसे करके ना इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पॉजिटिव भाई, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने रेज के साथ निकल गया, तो इसमें बचा क्या? एच प्लस। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? एच प्लस बच गया, एक प्रोटॉन बच गया। अरे हाँ या ना भाई, इसके अंदर एक प्रोटॉन बच गया। तो जब इसके अंदर एक, अरे सत्य यार जादू, ठीक है, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, तो अपने को समझ में आ गया कि भाई रेज एनोड से नहीं निकल रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वाली रेज है कैथोड रेज, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करवा रही है। तब जा कर के यहाँ पर एक एच प्लस बच रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं। और ये जो एच प्लस है वो मूव कर रहा है इस कैथोड नेगेटिव की तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ गया? कंक्लूजन सर इतना सा निकल के आ गया कि जो एनोड है ना, वहाँ से रेज नहीं निकल रही है। रेज कहाँ से निकल रही है? रेज निकल ही नहीं रही है। एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो रेज है हमारा, वो उसके एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिमूव करता है, तो बच जाता है H+। और जैसे ही H+ बेचारा अकेला पड़ा है, तो ये कहाँ पर चले जाएगा? इसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और कैथोड के ऊपर अर्थ भी जा रहा है क्योंकि इसके पास चार्ज है नेगेटिव। आई होप सो आपको एनोड वाला कंक्लूजन भी समझ में आ गया होगा। आपने देखो इसके पहले बहुत बार पढ़ा होगा, पर इससे अच्छा आपको नहीं समझा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हो सकता है समझा भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छा भी समझा होगा, पर अब उससे भी अच्छा समझ में आ गया होगा। कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, बट एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। मार्क कर लेना बात को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। आगे की तरफ चलो। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैथोड से, मूव टुवर्ड्स एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज द गैस फील्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो रेज में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो क्या करता है? वो यहाँ पर ना जो गैस फील्ड है, जैसे कि हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है और इसको आयनाइज कर देता है, यानी कि H+ में अकेला छोड़ देता है। और यही H+ मूव करता है किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि कैथोड के पास है नेगेटिव चार्ज। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। पॉजिटिव आयंस ट्रेवल्स टुवर्ड्स कैथोड एंड ऑब्जर्व दैट द एनोड रेज। और ये जो पॉजिटिव रेज है ऐसी तरफ किसकी तरफ मूव कर रही है? किसकी तरफ मूव कर रही है? कैथोड की तरफ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड रेज, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, पहले ही बता दिया है मैंने आपको, इसके लिए आपको मैं इसमें थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अब जब न्यूमेरिकल वाली बात आएगी वहाँ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आज ही के लेक्चर में। आगे चलो, देयर फॉर एनोड रेज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम एनोड। तो वही बता दिया कि एनोड से नहीं निकलती है, ठीक है। क्यों एनोड से नहीं निकलती है? क्योंकि भाई यहाँ पर जो H+ है उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और वही H+ इसकी तरफ घूम जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो गैस फील्ड जो है डाली है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ पढ़ो, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, फॉर डिफरेंट गैसेज यूज इन द चार्ज ट्यूब, द चार्ज टू मास रेशियो इज डिफरेंट। भाई अलग गैस यूज करोगे तो अलग रेशियो आएगा एनोड रेज के टाइम पे। नेचर ऑफ एनोड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। भाई जो गैस लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, समझ में आ गया। अगर मैं मान लूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके एनोड लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ऐसे करके मैं कैथोड लगा देता हूँ यानी कि नेगेटिव चार्ज, परफोरेटेड है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कहाँ पर मूव करेगा, कहाँ पर मूव करेगा, बताओ ना। पॉजिटिव वाला इसमें से देखो, यहाँ पर गैस जो आप डालोगे उसमें से क्या होगा? गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो अब कहाँ पर मूव करेगा? इधर नहीं, किधर मूव करेगा? इधर, समझा कि नहीं समझा? ये तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा कहाँ पे यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर वन।
नंबर टू, गैस कौन सी ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये मैंने 1 और 2 करके दिखा के दिया है। एनोड रेस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक कैथोड रेस, उसी के जैसे ट्रैवल करती है। दे आर ऑल्सो रोटेट, अब भाई वो स्पिन अगर व्हील रखोगे तो उसको ये भी रोटेट कर देती है, ऐसा बोल रहा है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड रेस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसके पास चार्ज कौन सा है बच्चों? पॉजिटिव का। आपको ये समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ मैं, ठीक है। सो अब ये हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक हो चुका है, अब आप एक बार चैट सेक्शन बताओ आपको कैसा लगा। टाइम पास कर रहे हो? हाँ, संडे ख़राब कर रहे हो क्या? 1100 लोग, ये कितने इतने लोग देख रहे हैं, 480 लाइक है, वाह सही है यार, ठीक है। और कुछ समझ में आ गया? चलो जल्दी बोलो भाई, क्लियर हो गया? अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ब्रेक ब्रेक बोल रहे हो, बताओ। अरे बेटा क्यों पब्लिक कम ज्वाइन है पता है? आज संडे का दिन है तो कुछ लोग रहते हैं इंसानों के नाम पे जानवर जैसे, ठीक है। 12 बजे सो के उठेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आर्यन के क्या बोल रहे हैं, ठीक है आगे चलो। एनोड का तो सिंपल था ना, एनोड का कैसा है? सिंपल है ना। देख बेटा एनोड में कैसा रहता है, ये यहाँ से यानी क्या रेज वेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से जो रेज निकलती है ना अपनी कैथोड रेज वाली, वो जो यहाँ पर एक गैस रहेगा ना उसके एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगी, तो फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पॉजिटिव वाला इधर घूम जाएगा फिर, क्योंकि पॉजिटिव ना कैथोड से क्या निकल रहा है, नेगेटिव तो उधर घूम जाएगा, ऐसा समझा, गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे चले, ओके आगे चलते, ठीक है। एक बार थोड़ा से पढ़ने वाले बच्चे मेरे को थम्स अप दिखाएंगे तो मैं आगे लेके चलता हूँ डायरेक्टली। देखो मैंने बीच में पढ़ाते समय कमेंट देखा ही नहीं, इसके लिए जल्दी बताओ, जल्दी एक बार पढ़ने वाले बच्चे, सारे के सारे पढ़ने वाले ही बच्चे रहेंगे, राइट, जल्दी बोलो, थम्स अप दिखाओ खाली, थम्स अप, मैं समझ जाऊँगा समझ में आ गया तो मैं आगे लेके चलता हूँ फटाक से, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट डन, ओके ओके चेतना, ओके माई, ओके ओमकार, ओके धीरज, श्रुति, सतीश, जैसे अगर मैं आप लोग का नाम लेता तो आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा ना, मेरे को भी, ठीक है। चलो आगे चलते, ठीक है बेटा आगे चलते, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लो टेक्स्ट बुक है अपनी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये देख लो वही एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखो मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया है यार, देखो ना ये तो ऐसा लग रहा है हुक्के वाला पॉट है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तो बोलोगे अरे, ठीक है, प्रोटॉन वाला। इसके बाद देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आपको पता है ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इनके स्ट्राइक करती है, चमकता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो, ये तो एकदम सिंपल है भाई, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एकदम सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक एक्स को याद करना है, एक्स को याद नहीं करना है, एक्स मतलब होता है कुछ तो भी एलिमेंट, क्या होता है एलिमेंट, ठीक है। मम्मी ने बचपन में लिखते समय सबसे पहले कौन सा लेटर सिखाया था, कौन सा लेटर लिख सिखाया था, ए बी सी डी में ए सिखाया था ना मम्मी ने, बताया था ना ए फॉर अभिषेक सर, ठीक है। तो यहाँ पर ए, फिर लास्ट में कौन सा लेटर लिखोगे, जेड, ठीक है। और मैंने बताया था एक्स को सबसे पहले सुबह सुबह क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। रात में क्या बोलोगे, नाइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक नंबर को किससे यूनिट करते हैं, जेड से, एटॉमिक मास को किससे यूनिट करते हैं, ए से। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो निकालोगे कैसे, ए माइनस जेड करके, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ऊपर का जो ए है उसको माइनस करना आपको नीचे वाले यानी कि जेड से, समझ में आ गया। तो सिंपल है ये, बाकी निकाल लेना आप लोग एकदम इजी से। और आपको पता है भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा इसके लिए बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर क्वेश्चन छोटे मोटे अच्छी तरीके से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स तो मैंने आपको समझाया था, एक बार वापस से बता देता हूँ, देखो सिंपल है, आइसोटोप्स क्या बच्चा, आइसोटोप्स तो फिर दो एलिमेंट रहते हैं जिनमें नीचे का नंबर सेम हो, कहाँ का नंबर सेम हो, नीचे का। अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक क्या है, आइसोटोप, टोप की स्पेलिंग में टीओपी टॉप आता है, तो टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम, तो यानी कि बॉटम मतलब नीचे का सेम होगा। अब एक होता है आइसोबार, ये मेरा स्पेशल है यहाँ, अब मेरे यहाँ पे ना गन्या है, ठीक है, तो गन्या का नहीं, वो अपना आंड्या बांड्या, ठीक है। तो आंड्या बांड्या क्या करते हैं, आंड्या बांड्या पी लेते, कहाँ से, बार से, पीने के बाद फुल हाई हो जाते,
पता नहीं क्या आपको, आपको तो पता ही रहेगा लड़कों से अच्छा कौन जानता है, ठीक है, होली में तो पता नहीं क्या क्या। तो आइसो बार, तो बार मतलब पीने के बाद एकदम फुल हाई हो जाते हैं, हाई मतलब ऊपर वाला, इसका मतलब एटॉमिक मास जिसमें सेम रहेगा उसको हम लोग आइसो बार्स बोलते हैं। और एक होता है आइसोटोन्स, क्या होता है बच्चा आइसोटोन्स, तो एन, एन से मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव मतलब ऊपर का माइनस नीचे का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट में ऊपर का माइनस नीचे का जो वैल्यू आएगा, अगर वो दोनों भी सेम आ गया, ये वाला वैल्यू और ये वाला, तो उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलो, ठीक है, एक बार फटाफट से ये सब करवा देता हूँ, फिर आगे की तरफ मज़ा मज़ा वाला एकदम मस्त है, वो सब अपने को और मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना अपना मस्त वाला एक टॉपिक निकल के आता है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये टॉपिक कराने के बाद ना मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिसका आपको इंतज़ार है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से समझो। समझ में आ गया, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगा भाई न्यूमेरिकल करो तो आपको नहीं आएगा, समझा। अब देखो फटाफट से एकदम ध्यान से देखो, हाँ सबसे पहले देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना एक डांस करूँगा, क्या करूँगा एक डांस, कौन सा वाला डांस, देखो 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 तो देखो देखो, मैं मेरे को बचपन से एक ही डांस आता है, मैं शादी हो चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, फंक्शन हो, हल्दी का, सब में एक ही डांस करता हूँ, देखो ऐसा वाला, ऐसे मैं हाथ रखता हूँ सबसे पहले ऐसे करके, ठीक है, फिर मैं ऐसे हाथ लेने के बाद ऐसे लेता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे लेता हूँ, फिर ऐसे, तो मतलब मैं करता कैसा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, समझा कि नहीं, समझा ना। तो देखो यहाँ पर अपने पास एक वेव्स बन रही है, क्या बन रही है बेटा वेव्स, देखो ऐसे, ये है मरीन ड्राइव, कभी गए रहोगे मुंबई वाले हो तो पता रहेगा ऐसे वेव्स रहते, ठीक है, अरे समुद्र में वेव नहीं देखा गया ऐसा वेव, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक रहता है और एक कौन सा रहता है मैग्नेटिक, देखो एक ऐसे ऐसे रहेगा और एक कैसा रहेगा, एक ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब कैसा, अभिषेक सर दो तरीके से डांस करें, कैसे, ऐसे ऐसे पहला, फिर दूसरा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वेव कैसा बना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, कैसे, ऐसे फिर उसके बाद ऐसे, समझा कि, अरे सांप नहीं देखा क्या, सांप देखो कैसे चलता है, एक ऊपर वाला ऐसे ऐसे वाला सांप है और एक ऐसे ऐसे वाला सांप है, समझा। अब पहली बात समझ में आ गई, दूसरी बात, जो ऊपर वाला है जब भी ऐसे, जब भी सांप ऐसे खड़ा होएगा ना, खड़ा होएगा ना ढसने के लिए, ठीक है, तो जब भी ऊपर आएगा तो उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, क्रस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे बताओ, उसको हम लोग क्रस्ट बोलेंगे, जब भी सांप किसकी तरफ आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी इसके बाद टॉपिक होने के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसके अच्छे से सीखो, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट। और याद रखना जो नीचे वाला रहता है, कौन सा वाला, नीचे वाला, जब ये सांप ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा होएगा ना, खड़ा क्या सांप, ठीक है, तो फिर ये किसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ, क्या बोलेंगे, ट्रफ, ठीक है, नीचे वाला जब जब देखो ना भाई यार, सुबह सुबह आप देखा है सांप ऐसे खड़े हो जाएगा तो उसका क्या बोलेंगे, क्रस्ट, और जब बैठ जाएगा नीचे की तरफ तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ, समझा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्रस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से, कहाँ से, ये यहाँ से सेंटर से लेकर के जो जितना ऊपर खड़े तक हुआ है, ठीक है, जितना ऊपर गया है वेव, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, याद रखना जितना ऊपर वेव जाएगा, जैसे समझ आया, जितना ऊपर वेव गया उधर, इधर से नीचे से लेकर के, देख समझ, ये इधर से स्टार्ट हुआ और इतना ऊपर गया, तो नीचे से लेकर के जितना ऊपर तक गया है ना, नीचे से लेकर के मतलब इतना डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, नंबर वन पॉइंट। अब नंबर टू पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो भाई ये यहाँ पर एक क्रस्ट है, ठीक है, ये यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुआ, देखो फिर ये नीचे की तरफ गया, फिर ये यहाँ से वापस से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुन बेटा, ये देख ये वेव आया, ये देख ध्यान से देख, ये देख ये वेव आया ऐसे ऐसे करके, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देख, ये वेव आया ऐसे, एक बार ऊपर की तरफ गया, एक बार नीचे की तरफ गया, फिर वहाँ यहाँ से ऊपर की तरफ उठना चालू हुआ ना, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। एक बार वापस देख, ये देख ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे गया, स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से ना, तो यहाँ से वापस से उठने की कोशिश कर रहा ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इतने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, एकदम एकदम ध्यान से, अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस तरीके अपना मैग्नेटिक फील्ड है, स्टार्टिंग बताया था, ये साइड वाला कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक है, नीचे वाला क्या है, मैग्नेटिक है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर ना कुछ फॉर्मूलाज दिया हुआ है, ये आपको फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ वेव,
5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है? मेरा गला दर्द कर रहा है एक्चुअली, ठीक है? 5 मिनट के ब्रेक के बाद आते हैं हम लोग, ऑलराइट? तब तक आप लोग क्या करो, अगर किसी को पढ़ना है ना अच्छे से, तब तक ना इधर पे ना फॉर्मूलाज दिया हुआ है, ठीक है? ये देखो, वेव लेंथ, वेव नंबर, ये सब देखो, ये फॉर्मूला वार्मूला है, एम्पलीट्यूड, ये सब दिया हुआ है, ठीक है? ये पेज अच्छे से रीड कर लो आप लोग, ये वाला एक पेज पूरा का पूरा रीड करो, हो सके तो पेज नंबर 39 है, ठीक है? ई लाइब्रेरी से बुक डाउनलोड करो क्लास 11 की, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ये हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ पर ना, हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे, कोरोना नहीं हुआ है रे नालायक, इतने कब से पढ़ा रहा था तो दर्द करने लगा गला, ठीक है? यहाँ पर देखो हमारे पास ना न्यूमेरिकल सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तब तक आप थोड़ा सा इसको पढ़ लो, ठीक है बेटा? इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट्स ब्रेक रहेगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? पाँच मिनट का ब्रेक है, ठीक है?
ना मतलब, ठीक है चलो कोई नहीं, कुछ नहीं 5 मिनट का ब्रेक लिया था और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, अभी अभी ठीक हूँ। गला ना वैसा कंटिन्यू बोलते रहते ना, हाँ अनस्टॉपेबल तो है ही हम, कैसा कंटिन्यू बोलते रहते ना, जैसे अगर आप तो कैसा, आप थोड़ा मतलब टू वे कम्युनिकेशन करते ना, मतलब जैसे हमारे कुछ लड़के होंगे बोलते रहेंगे हाँ बेबी, बात भी करते रहेंगे भाई, सबका अपना अपना होता है, तो जब वो इधर से बेबी बोलते तो उधर से भी कुछ बोलते हैं उन लोग को, तो कैसा टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये कैसा वन वे कम्युनिकेशन है ना। वन वे कम्युनिकेशन खाली मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो तो मैं कंटिन्यू बोलता रहता हूँ, तो ना कैसा कैसा दर्द करता है ऐसा है, और कुछ नहीं समझे, और कोई बात नहीं। देखो भाई बेबी वाले खुश हो गए, ठीक है ऑल राइट, चलो आगे चले आगे चले। डीपीपी भेजो कल का, अरे भाई भेजते ना आपको डीपीपी पीसी सब भेजते, चलो नेक्स्ट संडे भाई चलो आ जाओ, ठीक है ओके। कैसा लग रहा है, एकदम बढ़िया, सब बढ़िया एकदम, ठीक है चले पढ़ ले, शाउट आउट जल्दी बुला लो यार बाकियों को, कहाँ चले गए, हाँ 965 हो गए 1000, अरे अरे 1K आओ यार जल्दी आओ, चलो 1 लाख लोग आ जाए तब मजा आए, ठीक है 1000 नहीं 1 लाख, ठीक है चलो कंटिन्यू करें, पढ़ा आपने हाँ जाना ना, फार्मेसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रूपाली जी स्टार्ट करते, ठीक है बेटा युवराज जी, चलिए ऋतुजा आयुष वैभव निकिता चलते बेटा, ठीक है आगे चलते, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे चलो, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है अगर ये आपने पढ़ा है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है तो आपको आपको आगे के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है पहली बता रहा हूँ, ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओके। आपको बताया तो वेवलेंथ आपको पता है, ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है टू कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट वो जो ऐसा रहता है ना क्रस्ट वाला, या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस था वो वेवलेंथ है, ये सब मैंने आपको बताया और अभी पढ़ने के लिए भी बोला था, ठीक है फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वेव्स पास हो रही है, ठीक है 1 सेकंड के अंदर वेव नंबर ऑलराइट, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड, ये सब मैंने आपको बताया था, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं जिसका आपको इंतजार था, ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है देखो हेमंत क्लियर दिख रहा है ना ये, अब ठीक है एक सेकेंड इतना ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ बरोबर है चलो आगे चलो चलो इसको क्वेश्चन को करो फटाफट से, कमेंट देखना पड़ेगा आपका मेरे को, ठीक है स्टार्ट करो, ठीक है चलो 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 जल्दी स्टार्ट करो, हाँ करो इसको कमेंट देखता हूँ मैं, चलो ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है मैं करके बताऊँ कैसे करना है, फिर आप लोग करोगे, एक दो मैं करके दिखाता हूँ फिर उसके बाद आप लोग करो, ठीक है चलो 1 सेकेंड चलो स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से, चलो क्या करो मैं बताता हूँ, अरे बेटा इसको सॉल्व करना है क्या करो बोल रहे हो, ठीक है ऐसा क्वेश्चन आएगा बोलेगा मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ सॉल्व करूँ, ठीक है तभी मार्क्स मिलेगा। तब विदित भारती है जो कुछ तो भी बोला, स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एक स्टेशन है, ठीक है ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में से कितने वेवलेंथ निकल रहे ऐसा अपने को बताना है, ठीक है आप देखो ध्यान से, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट अपने को पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये सी की वैल्यू है जो आपको पता है ना, सी सी पता है ना दुनिया में बहुत से सी है, इधर भी अपने पास एक सी है, मेरे को क्या देख रहे हो इधर बोल रहा हूँ मैं सी थोड़ी ना हूँ, स्पी का मतलब क्या होता है सी का वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है और अपने को ये कितना दे रहा है, अपने को फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 1368 किलो हर्ट्स में दे रहा है, सबसे पहले याद रखना किलो हर्ट्स में जब भी देगा ना तो उसको अपने को हर्ट्स में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है हर्ट्स में, तो हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था किलो को हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए याद करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 1368
डिवाइड करते 10^-3 से, तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1368 × 10^+3 इतना समझा आपको। अब सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, इसको कैसे में मीटर पर सेकंड में ना, तो इसको भी सेकंड इनवर्स इधर पे ऐसे लगा दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को वेवलेंथ निकालना है, क्या निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं उल्टे वाई से, तो उल्टा वाई किसके इक्वल होता है, उल्टा वाई इक्वल होता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इसे डिनोट करते हैं वी से, याद रखना सी बाय वी, बोलो सी बाय वी किसके इक्वल होता है, उल्टा वाई सी बाय वी के, ठीक है, इतना समझा, क्लियर है, आगे चलो फिर। तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये देखो आंसर आ गया इसका, इस तरीके से कुछ। अब नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट वी बार इन सेंटीमीटर इनवर्स, अब अपने को वी बार बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वी बार इन सेंटीमीटर इनवर्स बता रहा है, इसमें कैलकुलेट करो, एंड वी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ इस बार अपने को दे रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/वेव लेंथ, तो वेव लेंथ यहाँ पर रख दो सिंपली, ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम है, इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, मेरा जिसने पहले लेक्चर देखा रहेगा उसको आ रहा रहेगा ये, राइट। मीसा प्रज्ञा जी डिलीटेड कर रहे हो, आप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना, मैं आप में से बहुत से बच्चों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग ना खाली किसी चीज़ को सीखने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें आगे रिलेट करेंगी, और जब रिलेट करेंगी तो वो चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है नहीं, समझा कि नहीं समझा, तो बोल रहा हूँ शांति से पढ़ लो, क्लियर हो गया, आगे चलते। हाँ, जब पढ़ने को बोला था तो पढ़ा नहीं, ठीक है, बोल रहे थे फॉर्मूला बुक दे दो, फॉर्मूला बुक दे दो, देंगे रुको, ठीक है, जब बोला था पढ़ने के लिए, अभी जब पानी पी रहा था मैं तभी बोला था ना, फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ लो, पढ़ा क्यों नहीं, अभी देखते हो चलो खाली, ठीक है, खाली दिमाग में डालते हो चलो। 58800 एंगस्ट्रॉम, इसको देखो, एंगस्ट्रॉम को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले लेक्चर में सिखाया है, जो मेरा पहला लेक्चर देखा है उसको पता है भाई ये कैसे करना है, ठीक है, ए देखो मैंने करके दिखाया है यार, बोल रहा हूँ मैंने करके दिखाया है बच्चों, आपको आपको आता है मेरे को ये भी मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 10^-8 है ना बेटा, नीचे ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा +8, बराबर, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 1.7241 माइनस इनवर्स, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है, तो अपने को v निकालना है, तो c इंटू वी बार, ऑलराइट। अब c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10^8, 10, 3 × 10^10, ठीक है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं इस बार इसको। फिर उसके बाद इसको v बार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है, समझा कि नहीं समझा, देख लो बेटा कैसे, ये देख, ये यहाँ पर एक पॉइंट है ना, इसको हम लोग इस बार लेफ्ट साइड में सरकारे, कितने बार लेफ्ट साइड में जाएगा तो मैंने बताया था पॉजिटिव आता है, राइट साइड में जाएगा तो कटता है, तो नेगेटिव आता है, पता है ना, कल के लेक्चर में इंस्टा पे स्टोरी डाला था, राइट। अब देखो ये कितने जाएगा, 1, 2, 3, 4 गया तो 1.7, ठीक है, तो 1.7 कितने बार गया, 4 बार, तो 10^+4, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में गया ना भाई, राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव आएगा बेटा, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको जस्ट आपको करना है सॉल्व, तो कैसे कर लोगे भाई, प्रभु का नाम लेते हुए, देखो ये 10 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 1.7 से, तो 5.1 आ जाएगा भाई, हो गया, एकदम सिंपल था ये न्यूमेरिकल, ऑलराइट। चलो अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, चलो खुद से ट्राई करो। अब अ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इतना फ्रीक्वेंसी अपने को दे रहा है 1120 kHz, अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 MHz, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम ईच स्टेशन, वेवलेंथ कितनी है, एक मिनट फोन दिखाना मेरे को, आपके फोन में वो है रेडियो, है रेडियो, टाइप करो जल्दी करो, इसको ट्राई करो फास्ट, इसको ट्राई करो, ठीक है, आंसर बताओ जल्दी, करने वाले बच्चे बैठे कि नहीं बैठे आज, ट्राई करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान ध्यान से सुनो, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा के देता हूँ, इधर देखो, इधर देखो पहले, चलो जूम करो ना, ठीक है, हेडफोन दो ना, थोड़ा सा हेडफोन है, हाँ एयरफोन चलेगा, खाली हेडफोन नहीं है, नहीं चलेगा,
हाँ, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, एक मिनट वो। हाँ देखो देखो, अब ध्यान से सुनो, जूम करो ना, फोकस कराओ। हाँ ठीक है, अब देखो वो एक वेवलेंथ निकल के आ रही है कितने पे, 98.7 पे। ध्यान से देखिएगा कितने पे निकल के आ गई, एक 98.9 है यहाँ पर, 7 समझ लो, 98.7 पे ऐसे एक निकल रही है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो अब उसको देखो, एक से इतनी निकल रही है, तो यहाँ से देखो अपने को गाना सुनाई देगा कुछ तो भी, टाणा ऐसे से करके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दूसरे पे हम लोग चेंज करते कितने पे, देखो इसको हम लोग ऐसे से बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के कितने पे रहते, 1120 पे, देखो ऐसे से करके 1120 पे, ठीक है, 1120 पे ऐसे से इसको चेंज करते जा रहा हूँ, चेंज करते जा रहा हूँ, चेंज करते जा रहा हूँ, गिर मत भाई, मेहनत से लिया है तेरे को, ठीक है। ऐसे से करके हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो कितने तक लेके जा रहे हैं, 1120 पे, 1120 पे ऐसे से करके हम लोग इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई कितना चेंजेस अपने को देखने को मिल रहा है, इतना क्लियर हो गया किस पे कितना। देखो ना भाई, किसी किसी पे मैच नहीं करता है, तो मैच नहीं करता तो अपने को सुनाई देता है क्या गाना? नहीं, किसी किसी पे मैच करता है तो किसी किसी पे ही सुनाई देता है, कि सब पे सुनाई देता है, सब पे नहीं देता ना, पता है कि नहीं पता है, राइट। तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ईच स्टेशन, ईच स्टेशन से आपको वेवलेंथ बताना है रेडिएशन की कितनी निकल के आएगी। चलो जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ कितना आएगा इसका, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। एक ने भी आंसर नहीं दिया यार, एक को भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इशू को ब्लॉक करवा दूंगा मैं अभी, ठीक है, जो फालतू के कमेंट करेगा ना ब्लॉक करवा दूंगा उसको मैं, जल्दी बताओ। चलो देखो इसको कैसे करना है, देखो इधर पे सिंपल था यार, ये देखो पहले वाले को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट से, यार वही सब सिंपल है यार, इतना भी नहीं आ रहा है क्या? देखो ना कितना दिया हुआ है अपने को, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, कब से तो यही बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, एक बच्चा कब से फॉर्मूला लिस्ट मांग रहा है भाई, ये ले ठीक है, एक बार खुद से ही बना लिया कर, मूल कॉन्सेप्ट कैसा हर बार थोड़ी ना मैं देते बैठूंगा, ठीक है, एक दो बार खुद से ही बनाया करो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक बार इससे निकाल लो इसको कट करके, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा 267.86 पहली बार के लिए। अब दूसरी बार के लिए कैसे निकालेंगे, दूसरी बार इसके लिए निकालना 98.7, तो स्पीड ऑफ लाइट वैसे का वैसा, मतलब 3 × 10⁻8 मीटर में, हाँ याद रखना उस बार सेंटीमीटर लिया था तो इसके लिए 10 किया था, 10⁻। अब देखो ये यहाँ पर कितना, 98.7 × 10³, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो किलो हर्ट से मेगा हर्ट से उसको कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो दोनों को, ठीक है। तो देखो एक का आंसर इतना है, एक का आंसर इतना है, सिंपल सी बात थी यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट वाले का 2.67, हाँ बराबर है, ठीक है, क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया? आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आपको करना चाहिए था, ये ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, बच्चे करने वाले नहीं है क्या आज ज़्यादा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार। देखो बेटा कैसे ये वेवलेंथ है, उल्टे वाई से नोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ पूछ रहा है, इतना सिंपल भी नहीं क्वेश्चन कर पाओगे क्या, सिटी लेवल का है। फिर उसके बाद ये दूसरे वाले का दूसरा वाला निकाल लो, ठीक है, तो इधर से इतना निकल रहा है, इधर से इतना वेवलेंथ है, मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है, ये वाली जो वेवलेंथ है, ये वाली जो वेवलेंथ है ये इतनी है, और ये वाली जो वेवलेंथ है वो इतू सी है, ऐसे करके ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। 267 है भाई, ये क्या है, 3.0 है, समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ, डन, आगे की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो, बाद में बात करते, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट से ट्राई करो इसको, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, देखो ट्राई करो इसको। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10³ एस इनवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू द अर्थ, मतलब कितना टाइम लगेगा उतनी फ्रीक्वेंसी से अगर कोई चीज़ आ रही है मार्स से अर्थ की तरफ डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस से, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि मैं अपने घर से स्टेशन इधर पे स्टूडियो में आ रहा हूँ, कितने की स्पीड से आ रहा हूँ, इतने की स्पीड से आ रहा हूँ, और डिस्टेंस इतना है मेरे घर से
स्टूडियो तक का डिस्टेंस इतना है और मैं इतनी की स्पीड से आ रहा हूँ, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? समझे कि नहीं समझे? जैसे आप बोलते हो ना कि सर मैं बाइक से 20 की स्पीड पे क्लासेस से घर जा रहा हूँ, ठीक है, और क्लासेस से घर तक का डिस्टेंस इतना है, तो मेरे को अगर मैं 20 की स्पीड पे आ रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बताना है इसके अंदर। चलो इसको ट्राई करो, ठीक है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट से इसको ट्राई करो, देखो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, सिंपल सा है ये भी। मार्स से अर्थ की तरफ आ रहे हो, सोच लो मार्स से अर्थ की तरफ, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, कमेंट नहीं दिखा रहा है, जल्दी करो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। कमेंट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, कमेंट कमेंट कितना आ रहा है, 4 पॉइंट आ रहा है समथिंग। डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का, टाइम डिस्टेंस अपॉन, सब 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 लगाओ, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ बरोबर, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ बरोबर है। चलो कितना आ रहा है आंसर, 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट, देखो फटाफट से इधर आओ, ठीक है, किधर गया, ये देखो आंसर आ चुका है अपना, 2.66, टाइम पूछा था, मिनट के अंदर बताएंगे, 4 मिनट 26 सेकंड लगेगा। सोचो भाई साहब, एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा आना तो नहीं चाहिए, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये मस्त वाला क्वेश्चन था अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो। यहाँ पर अपने पास ना मास है, यहाँ पर अपने पास समझ लो अर्थ है, ठीक है, तो मास यहाँ पर अर्थ है, तो ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 8 × 10⁷ किलोमीटर तक का, ठीक है, 10⁷ मतलब समझ रहे हो कितना, ठीक है, 10⁷ तक का इतना डिस्टेंस है। तो फिर कोई चीज़ यहाँ से ऐसे ऐसे करके समझ लो, कोई एक ऐसा गोला आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो कितने पे आ रहा है, वो आ रहा था 3 × 10⁸ की स्पीड से आ रहा था, ठीक है, भाई कितने टाइम में पहुँचेगा वो, 4 मिनट में पहुँच जाएगा, सोचो 4 मिनट 26 सेकंड में, 4 मिनट 26 सेकंड में अगर कोई चीज़ मार्स से अर्थ की तरफ आएगी तो पहुँच जाएगी, सोचो 4 मिनट के अंदर, अगर सोचो कोई बड़ा था, ऐसे बोलते ना पहले डायनासोर्स रहते थे तो डायनासोर्स खत्म हो गए थे, पता ना ऐसे गिरा था पूरा फूट गया था सब कुछ वैसे, ठीक है, तो यही ऐसे टाइप का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हम लोग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट ऑफ 1 ग्राम, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, जल्दी करो, ये आपका सेशन चल रहा है, फास्ट करो, कमेंट खोलो, जल्दी आंसर बताओ इसका क्या आएगा, फास्ट गाइस, कम ऑन डू इट फास्ट, क्या आएगा आंसर, लेक्चर बेटा 1 बजे तक चलेगा, बताओ क्या आ गया इसका आंसर, इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, तो देखो सिंपल है एकदम, ये अपना वो वहाँ से क्वेश्चन उठ गया है, समझा, तो देखो इसको फटाफट से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर फोकस करो, अभी समझ में आ जाएगा, मास ऑफ, इधर देखो 1 सेकेंड, अरे नीचे आ जाए तो ऊपर चले जा, ठीक है, इधर देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 × 10⁻³ किलो जूल, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, पहली बात, टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सिंपल तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये 9.11 × 10⁻³ को इक्वल करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के, किसके इक्वल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल अब क्या करेंगे, 1 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स, अब हम लोग क्या देखने का, अपने को -3 मतलब इसके अंदर देखने का ना 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो हम लोग कैसे कर लेंगे, जस्ट इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, तो ये 31 से देखो भाई ये कितना, ये कट करके कितना आ जाएगा 27, ये ऊपर चले जाएगा ना, -31 क्या हो जाएगा +31, तो -3 + 31 कितना आ जाएगा 10⁻², तो ये सिंपली सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, आंसर आया आपको, अरे हाँ है ना, हाँ देखो एक दो बच्चे लोग को आ गया, वेरी गुड, हाँ बहुतों को आया, लैग हो रहा है क्या, देखो नहीं ना, चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, 1 ग्राम भाई ये बताया ना आपको, 1 ग्राम = 10⁻³ kg, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देखो
ठीक है, अब आगे चलो नेक्स्ट। अब ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना मीटर इन जूल्स, ये वाला ट्राई करो। थ्योरी क्वेश्चन एक आकर अटकेगा, पर ये वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद वाले क्वेश्चन से, समझे? अभी एक कराऊंगा सीरीज वाला, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उससे ना जेई मेन्स एडवांस तक के क्वेश्चन भी बनते। सीरीज वाला भी एक करवाऊंगा, उसको करना, ठीक है? ये वाला सेशन के बाद अभी एक और करवाऊंगा, ठीक है? अभी देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट वेवलेंथ इतना दिया हुआ है इन जूल्स, जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो, पास। काव्या सिंह का आंसर आया है, ओके। ऊपर 2.66 टेन टू द पावर 2 से कैसे मल्टीप्लाई हुआ, किधर है बेटा ये? अरे नालायक, ये आंसर निकाला हुआ है बच्चा, देखना 10^8 है, ये ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 10^2 कितना हो गया 2, और ये देख 3 2 3 3 2 मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये इक्वल आएगा, इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तेरी भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ये इक्वल है, ठीक है? तो इसको सेकंड को उसमें मिनट में कन्वर्ट किया है, देखना ये 10, ये 8 ऐसे कटेगा तो 10^2 बचेगा, राइट? ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और ये 3 2 6 कितना बचा 7 8, ठीक है? फिर उसके बाद 0 लगेगा, फिर उसके बाद 3 6 ऐसे पॉइंट करके ऐसे काटने का, ये यार मल्टीप्लाई नहीं है वो, ठीक है? आगे चल, थोड़ा कन्फ्यूज मत हो, ठीक है? ईजी है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत होता है। आगे चलो, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, इस पे थे ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, कितना आ रहा है इसका? ओके, जल्दी जल्दी आंसर दो। भाई मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हो, वो भी नहीं आता क्या? सेकंड मिनट इतना वो क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा। चलो नेक्स्ट, आगे चलो, देखो ये वाला करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर देखो, खाली ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले समझो इसको। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, अपने को एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, E=, देखो ना ये अपने पास फॉर्मूला होता है E=hc/λ, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये, क्या होता है E=hc/λ। मैंने जब आपको 5 मिनट का टाइम दिया तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैंने बोला था फॉर्मूला पढ़ो लिखो, आपने किया नहीं, तो अभी भुगतो फिर, ठीक है? अब हर बार थोड़ी ना चम्मच स्पून फीडिंग दूंगा, ऑलराइट? सी बताओ पहले, स्पीड ऑफ लाइट कितना था, 3 × 10^8, समझा? और एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड। अब कुछ बच्चे ऐसे देखो मत कि ये सब नया नया क्या चल रहा है, भाई ये एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक एक साइंटिस्ट है, उसकी ये वैल्यू है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट ये इसकी वैल्यू है, और ये क्या है उल्टा लैम्डा, यानी कि क्या है ये वेव लेंथ अपने को कितना दे रहा है, इधर पे दे रहा है, तो सीधी सी बात है, इन तीनों को यहाँ पर रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 3.38 × 10^-10 जूल, समझा? क्लियर हुआ? पानी देना, पानी। (3.38 × 10^-10 जूल, जल्दी बताओ हो गया, क्लियर हुआ? अरे बेटा एक बार वापस से बताता हूँ, देखो टेंशन मत लो, आप देखो कैलकुलेट द एनर्जी, आपको एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है ऑफ ए फोटोन, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट बतानी है ऑफ सोडियम लाइट है, समझ ले, इधर से समझ ले, इधर पे ना तेरे पास है ना एक गन है तेरे पास, जितना बता रहा हूँ सीखने पर ध्यान दे, तेरे पास एक गन है, यहाँ से ना एक सोडियम लाइट निकल रही है, तो तेरे को ना उसकी एनर्जी बतानी कि भाई इसकी एनर्जी क्या है, जब वो तेरे को वेवलेंथ बता दे रहा है ऐसे ऐसे करके, इसका वेवलेंथ इतना है, ठीक है? इसका वेवलेंथ इतना है, तो इसकी एनर्जी क्या है, तो देखो ना, अगर ये भाई सीधी सी बात है, देखो अगर ये छोटी रहेगी तो जल्दी पहुँचेगी, अगर बड़ी रहेगी तो क्या पहुँचेगी, लेट पहुँचेगी। अगर देखो ना कभी समुद्र के किनारे बैठे रहोगे, एक लेयर बहुत ऊपर तक जा रही है, फिर ऊपर तक जाएगी, तो उसको मेरे तक पहुँचने में टाइम लगेगा, एक लेयर है जो छोटी बन के आ रही, तो मेरे तक फास्ट पहुँचेगी, समझे कि नहीं समझे? तो उसी हिसाब से देखो, अपने को ये फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो, पर आप फॉर्मूले को पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख करके एक बार साइड में बॉक्स बना लो, ठीक है? E=, क्या होता है HC/λ, ठीक है? HC/λ, ठीक है? H क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रख दो, फिर उसके बाद C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू रख दो, वेवलेंथ दिया हुआ है इधर पे, इसकी वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं सिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है? देखो 10^-16 है,
-16 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा +16, ठीक है। अब ये 8, 8, 16, 32, तो इधर पे देखो ये 8 और ये 16 कितना हो गया 10^32, ठीक है। और इतना किधर पे -34 है, तो सीधी सी बात है इसको कट करो 10^10 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसने पता नहीं कैसे दे दिया झूल वूल में, ठीक है। बस ये आपको इस फिगर के अंदर आंसर निकाल देना है। सिमदा क्लियर हो गया? अरे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही तो है उसके बाद, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट सिलेबस देखो, सिलेबस उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी वाला ट्राई करो चलो। विच हैज़ अ हायर एनर्जी, इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? अ फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विथ वेवलेंथ इतना, अ फोटोन ऑफ रेड लाइट विथ वेवलेंथ इतना, ठीक है। इन दोनों को ट्राई करो चलो, करो फास्ट। माइक बंद करो ना। गाइस कैसे सेशन जा रहे हैं? और बताओ थ्योरी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? सर PYQ नहीं पढ़ाते तुम? एक बजे तक छुट्टी होगी तुम लोग की। वेवलेंथ इतना चैट फास्ट करोगे तो नॉट हेमंत सर हूँ। ठीक है, आया इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, कौन सा वाला आ रहा है? प्रशांत सर क्या लिख रहे हो बच्चा, क्या हो गया? ठीक है प्रशांत सर थोड़ी ना इसका आंसर नालायक को, ठीक है। चलो अब इसको ट्राई करो, देखो क्या आएगा। देखो सिंपल है, कौन सा वाला आ रहा है? वॉलेट वाला ज़्यादा है, BBB लिख रहे थे, वॉलेट वाला ज़्यादा है किसके रेड से? BBB लिख रहे थे कुछ बच्चे, ठीक है। ए वाले भी है, विनय है ए वाला, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो मैं एक बार करके बता देता हूँ, ऑलराइट ध्यान से देखो, सिंपल है ना यार, अभी तो ऊपर सिखाया बच्चा, वही फॉर्मूला लगेगा बरोबर की नहीं? देखो मैं उसकी तरफ दो कंबाइन करके भी सिखा रहा हूँ, आप डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो, पहले एक अकेले वाला अब दो कंबाइन वाला, देखो ध्यान से। इसमें देखो ये एनर्जी वही निकालनी है, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, जब भी आपको वेवलेंथ दे देगा कितना दे देगा, 4000 एंगस्ट्रॉम दे दे रहा है। तो ये देखो ये मीटर वाला कन्वर्जन मैंने आपको कराया है फर्स्ट लेक्चर में। देखो एक बच्चे ने मेरे को पूछा था सर वो ए वाला नहीं आया मेरे को, तो मैंने उसको बताया था राइट। तो फिर ये 10^-10 मीटर हो जाएगा बरोबर। फिर उसके बाद एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.626 × 10^-34, स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स होती है 3 × 10^8, ठीक है। तब अपने को क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली सॉल्व करके लेने का है, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और रेड लाइट के लिए भी देखो वेवलेंथ दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो उसको भी यहाँ पर वेवलेंथ की जगह पे 7000 × 10^-10 रख दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब सिंपली यहाँ पर ना जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है उसको रख दो, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10^8, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2.8 निकल के आ जाएगा। तो कौन सी वाली आ रहा है? ए वाली। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, ए इज ग्रेट ऐसा लेस देन बी, फिर ए इज ग्रेटर देन बी, फिर ए इक्वल टू बी, फिर उसके बाद नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आपको फटाक से वहां पर आंसर मार्क करना पड़ेगा 1, 2, 3 और 4 के अंदर, समझा? तो कौन सा मार्क करोगे बताओ, कौन सा मार्क करोगे इन चारों में से, कौन सा आएगा बताओ? प्रेजेंस ऑफ माइंड है थोड़ा सा, बताओ जल्दी जल्दी भाई। एमस्ट्रॉन्ग वाला ना फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे थे, देख लो ध्यान से एक बार वापस से बता देता हूँ। देखो ये ना 4000 रहता है, ठीक है। तो इसको ना मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10^10 से ना मल्टी ऐसे डिवाइड करने का, डिवाइड ऊपर ले लेगा ना, तो ये जितने में कन्वर्ट करना रहता है ना उसमें मल्टीप्लाई करना रहता है, मतलब
आप एक बार मेरा पहला वीडियो देख के आओ, मैंने उसमें यूनिट कन्वर्जन सिखाया, आप पहला वीडियो देखे नहीं हो, आप डायरेक्टली इस पे आओगे, राइट बी आएगा आंसर, क्या जाएगा बी, यानी कि नहीं सबका आंसर रॉन्ग है, बी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर टू आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है ये वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते, ठीक है नेक्स्ट देखो ये वाला ट्राई करो चलो, ठीक है ये वाला ट्राई करो, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ इतना आर नेसेसरी टू प्रोवाइड वन जूल ऑफ एनर्जी, कितने अपने को प्रोटॉन चाहिए इतनी एक जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जब वेवलेंथ इतना है, इसको ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी फास्ट, हाँ सेकंड हो गया आंसर, चलो आगे ये वाला ट्राई करो, चलो नेक्स्ट 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 जल्दी ट्राई करो इसको, जल्दी इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी, चलो ये कुछ बच्चे ना फालतू वाला कुछ ना कुछ कुछ कमेंट ही कर रहे रहते हैं, मालूम है क्या, जब ट्राई करने को बोल रहा हूँ तो कुछ अलग ही सवाल पूछ रहे, मॉक टेस्ट कब होगी भाई, पहले ये तो ट्राई करके दिखाओ, ठीक है आ रहा है इसका आंसर, मत करो ट्राई आपकी मर्जी, अमन जी फ्री का प्लेटफॉर्म है ना इसके लिए अच्छा ऐसा लग रहा है, ये ऑफलाइन क्लास में तो मुँह नहीं खुलता रहेगा आओ 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 जल्दी आओ, चलो ट्राई करो इसको, ठीक है देखो ये सिंपल सा था, वही सिस्टम है अपना, इसमें फोटोन वाला है, ठीक है तो यहाँ पर देखो एनर्जी में खाली इसमें क्या हो जाता है, जब फोटोन आ जाएगा ना, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करने का, किससे मल्टीप्लाई करने का, एन से, देखो एकदम सिंपल था, बाकी कुछ नहीं है, अपने को एनर्जी एनर्जी सब दिया हुआ है, एनर्जी कितना दिया हुआ था इसमें, एक किलो एक जूल दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर वन जूल आ गया, ठीक है अपने पास क्या आ गया वन जूल, और फिर यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.626 × 10⁻³, ठीक है और स्पीड ऑफ लाइट अपने को पता है 3 × 10⁻¹० वेवलेंथ अपने को पता है 5000 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व करना है आगे का, ठीक है शुभम समझा, एक बार इसको अच्छी तरीके से देखो, एकदम सिंपल था, जब फोटॉन्स के बारे में बात करेगा ना कि फोटॉन कितना है, एनर्जी दे रहा है, वेवलेंथ दे रहा है, ये एच आपको पता है, सी आपको पता है, तो सीधी सी बात है देखो एन के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन मिलेगा एच और सी वो उधर चले जाएगा, यानी कि ई के नीचे चले जाएगा, और ई के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा ये वाला, देखो ये ऐसे जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, छोटा सा सिंपल मैथमेटिक्स से ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है तो वन जूल अपना एनर्जी का वैल्यू है और वेवलेंथ अपना 5000 है, ठीक है और एच कितना है ये इतना है और सी इतना है, तो सिंपल है जब इसको सॉल्व कर लेगा तो 2.5 × 10⁻¹⁸ फोटॉन्स आ जाएगा, ठीक है अब देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ बोर्स ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाला एकदम सिंपल सा, ये वाला आपको तभी आएगा जब आप इस एक फॉर्मूले को रट्टा मारोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कृपया करके रट्टा मारने की कोशिश करिए, ठीक है अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मूले की तरफ समझो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो Rn=0.529 × n²/z, z क्या होता है, z होता है अपना एटॉमिक नंबर, क्या होता है अपना एटॉमिक नंबर, ठीक है और n अपने को ना वैल्यूज देगा, जैसे बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वहाँ पर रखना है और इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, समझा ये वाला फॉर्मूला एक बार आप फटाक से इसको लिख लो, अब इसके थ्रू ही जब बाकी के सारे प्रॉब्लम्स आगे के सॉल्व होंगे, ठीक है एक बार लिख लो इसको फटाक से, समझ में आया, इसको लिख लो फटाक से, ठीक है लिख लिया आगे चलो अभी, ठीक है डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब इसके थ्रू आप निकालने की कोशिश करो, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, रेडियस निकालने का फॉर्मूला था और बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है तो भाई हाइड्रोजन बोल दिया तो अभिषेक सर कैसे, एक नंबर है तो हाइड्रोजन में हमेशा किस सब में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन, हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा वन, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, किसके लिए निकालना है, फर्स्ट के लिए निकालना है, सेकंड के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए निकालना है, तो मतलब अपने को नंबर दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, थर्ड दे रहा है, फोर्थ दे रहा है, तो देखो मैं एन की जगह पे क्या रखूंगा, एक बार एक रख दूंगा, राइट
और उसका स्क्वायर वैसे का वैसा, ऐसा स्क्वायर लेना है फॉर्मूले में स्क्वायर, और नीचे अपने को क्या रखना है जेड, क्या रखना है बच्चों जेड। तो अपने पास किसका जेड लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का जेड कितना वन, ठीक है। तो इसके लिए निकाल लेंगे ऐसे करके। अब सिंपली अगर अपने को सेकंड निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 0.529, मतलब ये आपको समझ लो दो तीन क्वेश्चन आएंगे ऐसे में, जैसे आपको नहीं क्या ऐसे तीन वैल्यू चार वैल्यू दे देगा 0.529, फिर ऐसे डैश करके एक वैल्यू देगा, फिर यहाँ पे एक और डैश करके, फिर एक और डैश करके, फिर एक और डैश करके, ऐसे चार वैल्यूज देगा, समझे। फिर आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद देखो सेकंड के लिए अगर आपको निकालना है तो एन की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, खाली टू का स्क्वायर, ठीक है। फिर जेड की वैल्यू कितनी वन, ऐसे करके इसको सॉल्व करना रहेगा। क्या हो गया, टू का स्क्वायर कैसे फोर, ठीक है, और ये वन वैसे का वैसा, फिर से मल्टीप्लाई करके एक और वैल्यू निकालनी है। क्या है आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी पढ़ने वाले बच्चे एक बार बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हो गया, ये समझा ये प्रॉब्लम कैसे करना है आपको। खाली ये रेडियस वाला निकालने वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा। चलो आगे की तरफ चलते, ठीक है, एकदम सिंपल था ना यार, अभी ये भी नहीं समझेगा तो मैं क्या ही बोलूँ, बताओ। थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू आ जाएगा भाई, ये तो इतना तो आ ही जाएगा आपको, आप इतने तो होशियार हो ही, राइट। पर अगर आप होशियार हो, पर आपको एक चीज आनी चाहिए, क्या फॉर्मूला, ये वाला बोर्स ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिख लो ना कहीं पे, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये लिख लो ना एक जगह पे। फर्स्ट के लिए बोलेगा तो फर्स्ट डालो, जो एलिमेंट बोला उसका एटॉमिक नंबर उधर डाल दो, क्लियर हो गया एकदम, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी आगे की तरफ, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो ये वाला, देखो ये वाला, अब ये वाला कैलकुलेट करके बताओ। देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, थर्ड और फिफ्थ के लिए कैलकुलेट करने को बोल रहा है स्पेसिफिकली। चलो फटाफट से अगर इसका आंसर दे दिया ना आपने तो बहुत मजा आ जाएगा, जल्दी बताओ। वेदमाली ध्यान दे बेटा, ठीक है, फॉर्मूला एक बता के दिया हूं मैंने, बस इतना सही फॉर्मूला जो है इस पे, इसके ऊपर ही तो देखो सॉल्व करना है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू 0.529 है, बोर्स ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, ठीक है, 529 देख रहा है, 592 लिख रहा हूँ मैं भी, 529 क्या बच्चा, 529 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड, ऑलराइट, एन का स्क्वायर, एन देख थर्ड दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, हीलियम, हीलियम के लिए कितना होता है जेड, देखो पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना। चलो कितना आया सर, जल्दी बताइए, काव्य जी कितना आ गया आंसर, पढ़ने वाले बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर तो जल्दी जल्दी इसको करो, बताओ जल्दी आंसर दिखाने से पहले, टाइम अप हो रहा है। जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बोलो। चलो देखते, वेरी गुड, थोड़ा बहुत तो बच्चों को आ गया। थर्ड और फिफ्थ के लिए कैलकुलेट करना है, सिंपल है बेटा, देखो थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है तो भाई सीधी सी बात है, इधर मैंने बताया एकदम सिंपल है, बता दो आप खुद से बताओ, अगर इतना भी नहीं समझेगा तो हम क्या कैसे क्या करेंगे बताइए, एकदम सिंपल है। ये एन की जगह पे क्या रखना है आपको पता है भाई, थर्ड बोला तो तीन रखोगे, जेड किसके लिए बोला है भाई, हीलियम के लिए बोला है, किसके लिए बोला है, हीलियम, तो हीलियम बताओ ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, दो नंबर होता है, तो देखो यहाँ पर दो आ जाएगा। अब इसमें आपको मैं एक अभिषेक सर स्पेशल ट्रिक सिखा सकता हूँ, ठीक है, उसके पहले आपको दूसरा समझना पड़ेगा फिफ्थ के लिए बोला है, तो फिफ्थ के लिए बोलेगा तो सबसे पहले कैसे, 0.592 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब ये फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम मतलब टू, और फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, तो सिंपल इसको कैलकुलेट करके आंसर्स निकालना है, बता दो। अब इससे इजी कुछ है क्या, बताओ जल्दी जल्दी भाई, ठीक है। अब इसमें देखो रेशियो ना सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, क्या सिखाऊंगा, एक ट्रिक अभिषेक सर स्पेशल ट्रिक, ठीक है, जब याद रखना नीचे दो रहेगा हीलियम के केस में, याद रखना, हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड विनय। अब देखो इसको कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूँ, देखो ये जो है ना किसके लिए, थ्री के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, क्या सिखाऊंगा, एक ट्रिक अभिषेक सर नंबर वन ट्रिक, ध्यान से देखो, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करना है सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना थ्री का स्क्वायर है, कितना हो गया ये, देखो ध्यान से सुनो, इसको और इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कितना आ गया, थ्री का स्क्वायर नाइन आ गया, ठीक है, जब नीचे दो रहेगा तो ऐसे करना, ठीक है, ये दो को और इसको हटा दो, फाइव का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो भाई 9 × 25, सिंपल था, बता दो जल्दी जल्दी, समझ में आ गया, अरे हाँ आया ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, जल्दी चैट सेक्शन में बताओ क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं ना,
ओके ओके, एक नंबर, सबको समझ में आ गया ना? एकदम इजी ट्रिक थी वो, काट दो डायरेक्टली जब नीचे टू आएगा तो, सिंपल एकदम। बताओ इससे अच्छा कुछ है क्या? नहीं है, राइट। आगे चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। भाई सेकेंड और थर्ड के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है? देख ध्यान से सुन ले बेटा, एकदम सिंपल है। अब तो तुम लोग को पकड़ में आ गया रहेगा प्रॉब्लम कैसे। देखो पहले फॉर्मूला क्या है, 0.592, ठीक है, इनटू किसके लिए बोला है? सेकंड ऑर्बिट बोला है, तो सेकंड मतलब सेकंड टू का स्क्वायर। किसके लिए बोला है? हाइड्रोजन, तो मतलब एक नंबर नीचे आ गया। इसके लिए इसको सॉल्व करो सबसे पहले। अब थर्ड ऑर्बिट किसका बोला है? लिथियम का बोला है, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब ये 0.592 इनटू थर्ड ऑर्बिट मतलब तीन का स्क्वायर। लिथियम मतलब कितना होता है? तीन होता है भाई, लिथियम मतलब तीन होता है ना, एटॉमिक नंबर लिथियम का तीन होता है। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से और आंसर बताओ, आंसर बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए फास्ट। 4/9 तो, अरे वो वाला, चलो आगे, चलो आगे जल्दी बताओ। 4:9 पक्का? सोच लो, मैंने ट्रिक खाली सिर्फ और सिर्फ दो नंबर वाले में बताया था, जब नीचे दो रहता तब ऐसा होता है। आप इसमें भी वही ट्रिक लगा रहे हो भाई, आप उसमें भी वही ट्रिक लगा दे रहे हो। सोचो एक बार, कैलकुलेट करो, इतना भी आलस मत बनो। चलो चलो चलो, नीचे जब दो रहता है तब वो ट्रिक लगता है भाई, जब नीचे एटॉमिक नंबर दो रहेगा तब ट्रिक लगेगा। वन और वन सब, उससे उससे सबसे थोड़ा ना कटेगा वो। चलो नेक्स्ट देखो, इसका आंसर देखो, इसको कैसे करना है। मैंने आपको बताया था नीचे जब दो रहता है तब ट्रिक लगता है, ठीक है, नहीं तो नहीं लगता है। बोल रहा हूँ तो भी नहीं मान रहे हो, ठीक है। ये देखो भाई, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन से इसको फर्क मतलब डायरेक्ट इधर पे कितना आ गया 4, और इसमें क्या आएगा 3 आएगा। ध्यान से सुनना भाई, ये 3 3 9 होगा, ठीक है, तो 9 होगा ना, कितना होगा 9, तो उससे एक 3 से एक कटेगा, बचेगा कितना 1 3, ये 4/3 आएगा, 4:3 आएगा। अभी आया ना बराबर आंसर, ठीक है। चलो आगे की तरह चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह चलते, ठीक है। अच्छे से प्रॉब्लम पहले रीड करो भाई, ठीक है। अभी वाला देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस टू। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, कौन सा स्टेट बोला है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब मैं आपको ये समझा के देता हूँ, ये आपसे बनेगा नहीं इजीली, मैं आपको समझा के देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले अपने पास ना यहाँ पर एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्बिट बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एक सेकंड ऑर्बिट बनेगा, राइट। और लिथियम है तो मतलब एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 3 है। कितना है? 3 है। लिथियम है तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 3 है। तो लिथियम प्लस टू में, प्लस टू मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन इसके कैसे डालोगे बताओ? अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा? 1s2 2s1 होगा, ये तो आपको पता ही है, राइट। कैसे देखो ना, ये 2 और 1 3, इधर ध्यान दो, उधर किधर देख रहे हो, इधर देखो 1, तो फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2, सेकंड में 1 रहेगा। अब लिथियम कौन से स्टेट में? प्लस टू में। लिथियम कौन से स्टेट में? प्लस टू में, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आउटर मोस्ट पहले निकलेगा ये, और ये वाला एक निकलेगा। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, कौन सा एक्साइटेड बोला है? सेकंड। तो देखो ये लिथियम का यहाँ से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ध्यान से सुनो भाई, इजी चीज नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है, तो फिर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इसका ये हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक और ऑर्बिट बनेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो मतलब कौन सा शेल हो गया बताओ? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा थर्ड शेल आएगा। समझ में आएगा क्या आपको? ये बात समझा? एक बार वापस से बताता हूँ, ये बात इजी नहीं थी समझनी, ठीक है। देखो वापस से, अभी आपको नए पेज पे समझाता हूँ मैं, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझेगा ये। ऑलराइट, देखो खाली समझ के लो इसको, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे गोला बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये समझ लो हमारे पास लिथियम का है। किसका है? लिथियम का है। तो यहाँ पर ना लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है, 2s कितना होता है? 1 होता है, राइट। अब इसके बाद एक और शेल ऐसे करके बनेगा, इसका इसका एक और शेल ऐसे करके बनेगा, राइट। फिर यहाँ पर हम लोग कैसे डालेंगे? लिथियम, लिथियम है ना 3 है, तो कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। पर अपना लिथियम कौन से स्टेट में? प्लस टू में। इसमें बचा प्लस टू में, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब दिया है, प्लस मतलब दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैसे कैसे निकलेगा बताओ? यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, राइट। बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। अब इसको सेकंड थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बोला है, कौन से स्टेट में? सेकंड में। तो देखो भाई, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, फिर सेकंड मतलब क्या, इसके बाहर एक और ऑर्बिट बनेगा ऐसे करके, फिर यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? सेकंड। तो सिंपल है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट बताओ कौन सा? ये पहला,
ये दूसरा शेल, ये कौन सा शेल, तीसरा, तो मतलब थर्ड शेल के लिए बोल रहा है। कौन से शेल के लिए बोल रहा है, थर्ड शेल के लिए। क्या आपको समझ में आ गया ये बताइए जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है जल्दी जल्दी बताओ। हाँ प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना उसमें से, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब आगे देखो इसको, तो बस फिर इतना ही तो इसमें लॉजिक था, अब बाकी का क्या है, बाकी का आप सॉल्व कर ही लोगे। लिथियम में मतलब एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। शेल बोल रहा था शेल के लिए, तो देखो हम लोगों ने कैसे निकाला है, 3 का स्क्वायर, देखो भाई इसने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो इसको, अब सीधी सी बात है इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कितना इधर पे 3, इसको सॉल्व करोगे 1.587 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, समझा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, ऑलराइट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या ठीक है, आगे की तरफ चले। 21 में क्या, 21 में कुछ किया गया हम लोग ने 21 वाले में, रुको एक सेकेंड देखते इसमें ना। हाँ इसमें भी देख, इसमें भी प्लस टू में तो देख थर्ड ऑर्बिट आ रहा था, राइट। प्लस टू देखो थर्ड ऑर्बिट आ रहा है, पर इसमें इसने डायरेक्टली ऐसा बताया नहीं कि थर्ड ऑर्बिट है करके, ठीक है ना। इसमें ऐसा देखो थोड़ा हीरो बना ये, ठीक है, इसी वाले में इसने बताया नहीं कि थर्ड ऑर्बिट है, समझा ना, समझा कि नहीं समझा। हाँ समझा, कभी कभी क्वेश्चन में भी ऐसा आपको थोड़ा सा, तो आपको शेल वो सोचोगे अरे भाई शेल तो समझ नहीं आ रहा कैसे निकालना है, तो इसके लिए वो बता रहा है ऐसे करके, ठीक है। अभी वाला ट्राई करो, चलो। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ लो भाई, फर्स्ट फर्स्ट मतलब कौन सा शेल बनेगा, सोच लो ठीक है। इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, हाइड्रोजन का सेकेंड है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एक नंबर एक टाक, तो मतलब तीसरे शेल में जाएगा, राइट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भाई, हाइड्रोजन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो ना ध्यान से, एकदम सिंपल है यार। हाइड्रोजन यहाँ पर है ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ पर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है। सेकंड मतलब देखो, ये पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब जब ये यहाँ पर जाएगा, पहला एक्साइटेड स्टेट ये हो गया, ठीक है। सेकंड बोला मतलब एक और ऑर्बिट बनेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब कौन सा शेल, पहला दूसरा तीसरा, तो मतलब कौन सा आएगा, थर्ड शेल आएगा भाई, यही सब फाइंड आउट करना रहता है। ये ईजी है, मैं सही से बताऊँ बहुत ईजी है ये, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा रहेगा, ये बहुत ईजी है। अब लिथियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है भाई, तो आप खुद से बता दो ना, लिथियम मतलब कौन से, लिथियम प्लस टू में, ध्यान देना लिथियम प्लस टू में, तो फिर ये लिथियम का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट, प्लस टू में करके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मतलब ये यहाँ से सिर्फ सिर्फ यहाँ पर जाएगा, मतलब कौन सा शेल होगा बताओ, कौन सा शेल होगा, ये पहला, ये दूसरा शेल होगा इसका, सेकेंड शेल होगा, समझ में आ गया। शेल ही तो फाइंड आउट करना है। हाँ आसमा जी वेरी गुड, जय कुमार जी वेरी गुड, ठीक है। करण तुला काय करते है रे वाड़ा, तू आता साला है, ठीक है। देख बच्चों को, बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लो। मेरे को ना ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, और मेरे को मतलब सर भी बोल रहे हैं कि सर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, टीचर चेंज करते हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, मेरे को छोड़ के कोई और। तो आप लोग मेरे को पहले बता दो कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है, थम्स अप दिखाओ, क्या है, कैसा है, समझ में आ रहा है, हार्ट दिखाओ कुछ, ठीक है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा है क्या कुछ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, फिर मैं पढ़ाना स्टॉप करता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपका फिजिकल क्यों आपके करियर से खेलूँ भाई, जब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हटता हूँ फिर, जल्दी बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो भाई, मैं छोड़ता हूँ, मैं कोई और किसी और टीचर को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, मेरा अगर नहीं जम रहा है तो बताओ। हाँ तो अभी भाई, अभी अभिषेक सर पुराने होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भगा के करा है, वो बात अलग है, बट भाई मोल कॉन्सेप्ट आप लोग खुद से भी तो ट्राई करो थोड़ा सा, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजेगी। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, नहीं बोल दो तो फिर मैं हटता हूँ, फिर किसी और को बुलाता हूँ, अब जैसा आपको ठीक लगे, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या कुछ, दिमाग में नहीं जा रहा है क्या, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ क्या आपके ऊपर, रूड बात कर रहा हूँ क्या आपसे, बताओ ऐसा कुछ है तो बोलो, स्टॉप करता हूँ मैं लेक्चर को फिर। हाँ बताओ, अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक हटाता हूँ फिर मैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें, बोलो। लास्ट लेक्चर में शायरी नहीं सुनाया इसके लिए नाराज़ हो गए क्या, हाँ समझ में आ रहा है ना, समझ
सर आपके बारे में नहीं, मुस्तफा सर का नहीं समझता कुछ, आप ऑर्गेनिक भी ले लो। चले पढ़े। नहीं मैं सेशन को रोक करके मैं इस चीज़ को डिस्कस करना चाहता था इसके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते थे, ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया भाई। अब बेसिक पढ़ा रहे, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, सब समझ में आ रहा है, बात ही खत्म, ठीक है। आगे चलो, अब नेक्स्ट देखो फटाफट से, ये वाला देखो अपनों ने निकाल लिया, ठीक है, खत्म हो गया, ये वाले सारे प्रॉब्लम्स कर लिए, ठीक है। तो ये वाला अच्छा प्रॉब्लम था, बस इसमें आप ध्यान देखना कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए 0.0592529 वाला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एटॉमिक नंबर देखो शेल के बारे में आपको कन्फ्यूज करेगा, याद रखना, अगर प्लस टू में रहेगा बोलेगा थर्ड एक्सेल, तो समझना फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब फोर, क्योंकि पहले से वो एक फर्स्ट वाले में है, नहीं समझा? जैसे समझो, बोलता है कि अगर लिथियम प्लस टू है, जैसे समझ लो ऐसा बोल दिया लिथियम ना प्लस टू में, और बोल रहा है कि ना ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, कौन से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो कैसे समझेगा? देखो हम लोग ऐसे समझेंगे, लिथियम है ना प्लस टू में, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, अब थर्ड बोला है मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे में जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं शेल काउंट करूंगा तो कैसा, एक दो तीन चार, चार शेल बनेंगे, कितने शेल बनेंगे, चार, ये सब याद रखना, ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते, आज के लेक्चर का हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको भी हम लोग खत्म करते हैं, फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी आपके पास एक लास्ट टॉपिक है, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से करा के दूंगा, क्योंकि इस पे से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है आगे चलो, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ये मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा के दूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको देखो एक अच्छा वाला टॉपिक ये वाला करा के दिया है, ठीक है, इसके पहले मैंने आपको वो वाला टॉपिक करा के दिया, वो वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ वेव नंबर वो सब निकालने वाला, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, तो फिर इसके ऊपर बनेगा रेडियस वाले पे। अभी इसके ऊपर एक लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बस इस चैप्टर में इसी पे से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जैसे कि एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं बता सकता, जैसे अगर मैं बोलता हूँ वो तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैं अभी इसको इसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसपे से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ना हम लोग एक प्रिज्म रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, प्रिज्म, जैसे प्रिज्म रखते हैं तो इसमें से लाइट जाती है, तो इसमें से ना ऐसे ट्रांसमिशन, ऐसे अलग अलग रेज निकलती है, कौन सी, विप्रो आपको पता ही रहेगा, यू वी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, या ऑरेंज, रेड, ये सारी की सारी रेज निकलती है, ठीक है। तो हमारे पास ना एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, एक बार ध्यान दो खाली, नजर स्क्रीन के ऊपर रखो, दो मिनट में सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना ऐसे करके मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से ले देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, इसको मैं अलग से पढ़ा देता हूँ आपको। अब ना यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनते हो, चलो खाली, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे करके एक स्पेक्ट्रम होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखो खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे रेडिएशंस का ना अलग अलग रेंज रहता है, क्या रहता है, एक रेंज रहता है। जैसे अगर आप बाइक कभी चलाए रहोगे तो बाइक में देखो ना ऐसा काटा रहता है, 20 का 30 का 40 का 50 का, तो उस अगर 60 पे काटा है तो मतलब 60 पे चल रहा है, समझे कि नहीं समझे, अब काटा नहीं दिखाएगा, काटा वाले देखो ना, डिजिटल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, कांटे वाली की बात कर रहा हूँ, कांटा जितना जैसा रहेगा तो उतना ज़्यादा स्पीड दिखाते हैं। तो ऐसी ना इन सब का अलग अलग है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का रेंज इतना है, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, ऐसे ऐसे रेंज है, ठीक है। तो हमारे पास ना एक और चीज़ है, उसको हम लोग समझते हैं, तो अपने को ये सब 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 समझ में आ जाएगा, ठीक है, खाली इसको खाली ध्यान से प्यार से समझो, एकदम प्यार से देखो स्क्रीन की तरफ, ठीक है, तभी आपको समझेगा। देखो यहाँ पर ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, हेमंत पानी दो ना, मेरा पानी खत्म हो गया, ठीक है, एक मिनट रुका, अपने को ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो डिस्टेंस ऐसे कम ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे, ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है, ऑलराइट, देखते हो, चलो खाली ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद देखो, खाली देखो पहले बनाने दो मेरे को, फिर समझाता हूँ मैं, फिर ऐसे,
ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे, फिर क्या है कंटिन्यूस चलते रहेगा ऐसे 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 ऐसे। देखो आपने क्लासेस में कॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत पढ़ा रहेगा ये, पर आपको पल्ले नहीं पड़ा रहेगा, पर अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे, ऑलराइट। अब देखो सिंपल है ये, अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ना सीरीज होती है, क्या होता है सीरीज, ठीक है। तो ना सीरीज में ना ये ऊपर से हम लोग यहाँ पे इसको नंबर देते हैं, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर, अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले, डोंट वरी। एन इक्वल्स टू वन होता है ये एन इक्वल्स टू टू होता है, ये एन इक्वल टू थ्री होता है, ये एन इक्वल टू फोर होता है, ठीक है, ये एन इक्वल टू फाइव होता है, ये एन इक्वल टू सिक्स होता है, ये एन इक्वल टू सेवन होता है, ऐसे ऐसे करके होते हैं नंबर्स कुछ तो भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना हम लोग ना यहाँ पे ना सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से, एकदम इजी है, आपने बहुत बार पहले पढ़ा रहेगा, पर जब मैं पढ़ा दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, खाली फोकस करते हो। चलो ये ऐसे ना एन इक्वल टू सेवन से ना ऐसे की तरह इसके ऊपर गिरने की कोशिश करता है, सेवन से, हाँ सेवन से, याद रखना कहाँ से, सेवन से, उसके बाद सिक्स से गिरेगा, ठीक है ऐसे, फिर उसके बाद फिफ्थ से गिरेगा ऐसे करके, फिर उसके बाद फोर्थ से गिरेगा ऐसे, फिर उसके बाद थ्री से गिरेगा ऐसे, फिर उसके बाद टू से गिरेगा, टू से कुछ गिरेगा इस तरीके से, देखो ऐसे ऐसे। तो आप लोग बोलेंगे कि सर बनाने की कोशिश क्या कर रहे हो, मैं बनाता हूँ पहले फिर समझो, ठीक है पहले बनाने तो दो, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पर ऐसे करके सिक्स से गिरा ना, एक बार वापस से सेवन से गिराओ, ठीक है, फिर सिक्स से, सेवन से, हाँ सबकी सब सेवन से स्टार्ट होगी, सेवन सिक्स, ठीक है, फिर इसके बाद फाइव, बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है, पर रुको थोड़ा, दो मिनट रुको, खाली मेमोरी में भी दिमाग में जाएगा तो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा, रुको देखो मैं। फिर इसके बाद ये देखो फिफ्थ ऐसे गिरेगी, फिर इसके बाद फोर्थ गिरेगी ऐसे, फिर थर्ड गिरेगी, कहाँ से गिरेगी, थर्ड से गिरेगी, ये सेकंड से भी गिरेगी, हाँ ये याद रखना, ये सेकंड से भी गिरेगी, ये वाली कहाँ से गिरेगी, थर्ड से गिरेगी, बस सेकंड से नहीं गिरेगी, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा रहेगा, पर अगर मैं आपको अच्छा लगा एक डायग्राम दिखाऊँ, सुनहरा सा फिजिक्स में था ना, ओके बेटा अज्जू भाई, ठीक है अज्जू भाई ने भी पढ़ाया रहेगा ये, ठीक है। तो अब देखो वापस से बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो ये सीरीज है, ये देखो ऐसा करके, ऑलराइट क्या है सीरीज है, तो सीरीज में देखो सबसे पहली सीरीज कौन सी है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, ये लाइमन सीरीज है, कौन सी सीरीज है, लाइमन, कौन सी सीरीज है, लाइमन, बोलो मेरे साथ। देखो बीपी, बीपी तो देखा ही रहेगा आपने, बीपी, बीपी मतलब क्या, बी मतलब बाल्मर और पी मतलब पैशन सीरीज, तो दो बार बीपी बीपी बोलना है, क्या बोलना है, बीपी बीपी दो बार बोलना है, देखो एक बार बाल्मर, बी से बाल्मर, एक बार पैशन, बीपी, ठीक है फर्स्ट, फिर सेकंड वापस से बीपी ब्रैकेट पी फंड अभिषेक सर स्पेशल ट्रिक, ठीक है बीपी बीपी, ऑलराइट बीपी बीपी, और इधर पे क्या, लाइमन एल, समझे ना, एल एल, पहले एल, फिर इसके बाद बी पी, फिर इसके बाद बी पी, फिर इसके बाद क्या, एच, इम्प्रेस सीरीज, समझा, कुछ बच्चों को समझ में आया खाली, ठीक है शुभम शिंदे को समझ में आया, बी पी बी पी, यहाँ पे एल, वहाँ पर एच, पहले एल फिर बी पी बी पी, फिर वापस से एच, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो खाली, यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला एल, तो L सबसे पहले कितना, दो 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 नंबर, दो नंबर, फिर L कि मतलब कौन सा, लाइमन सीरीज, फिर उसके बाद क्या, B, B मतलब तीन नंबर, फिर P मतलब चार नंबर, फिर समझा ना, सिंपल है, क्लियर हुआ ना ये, लो बी पी, अरे वाह बच्चे ने क्या मस्त दिमाग लगाया, लो बी पी पी बी पी हाई, एकदम बेहतरीन, वाह क्या तेजस्वी लोगे, ठीक है एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाल्मर सीरीज एन इक्वल्स टू क्या रहेगा, इसमें दो रहेगा, ये बाल्मर के लिए क्या रहेगा, एन इक्वल्स टू कितना रहेगा, दो, ठीक है, इसके लिए एन इक्वल्स टू कितना रहेगा, वन, इसके लिए एन इक्वल्स टू कितना रहेगा, तीन, इसके लिए एन इक्वल चार, इसके लिए पाँच, इसके लिए छः, ऐसे करके सिंपल है, समझा ना एन का वैल्यू, ठीक है। पैशन सीरीज देखो तीन, किधर दिख रहा है अपने को पैशन वाला, देखो इधर पैशन सीरीज, भाई ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ऐसे करके उसने बताया हुआ है, ठीक है पैशन सिंपल है, तीन वाला देखो ना, तीन वाला ऐसे करके, तीन पे आ रहा है ऐसे करके, सिंपल है, सब आपको आता रहेगा, राइट, ठीक है ओके थैंक यू बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चंस करने की एक कराता हूँ, बाकी सब आप खुद से कर लोगे, तो खाली आप पाँच मिनट ध्यान दोगे, प्लीज़ प्लीज़।
प्लीज ना सर, 5 मिनट ध्यान दो ना खाली, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। देखो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम 7th to 1st orbit, 7 से 1st orbit बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। अपने को टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप खाली एक फॉर्मूला याद रखो टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालने का, ठीक है, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देखो। अब जिसको ये याद नहीं हो रहा मैं उसको याद करा के देता हूँ, खाली 5 मिनट इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो N2 - N1, क्या बेटा N2 - N1, फिर ब्रैकेट बंद करो, N2 - N1, अभी कुछ सब बताऊँगा, टेंशन मत हो, खाली N2 - N1 ब्रैकेट बंद करो, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाओ, N2 - N1 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो +1, फिर उसको डिवाइड करो 2 से, याद रखना N2 - N1, वापस से N2 - N1, फिर +1 डिवाइड बाय 2, सिंपल है। देखो अभी देखो N2 - N1 क्या है, देख समझते हम लोग, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या बोला, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7th to 1st, 7th से मूव कर रहा है फर्स्ट की तरफ, 7th जो लाइन था ना, 7th से मूव कर रहा है फर्स्ट की तरफ, ढेर सारे स्टेप्स में, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, तो सीधी सी बात है, अपने को N2 क्या बोल रहा है भाई, 7 से मूव कर रहा है ना, मतलब देखो N2 क्या हो जाएगा अपना, N2 हो जाएगा अपना 7 और N1 क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट, मतलब ये पहला है, ये 7वां रहेगा ना भाई, पहला नंबर आता है, अभिषेक सर नंबर 1 है, तो नंबर 1 पहले आएगा, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 7, तब सिंपल है भाई। देखो ये सब ऊपर वाले कैलकुलेशन में जाओ, इस पर और कैसे करेंगे इसको, N2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 7 माइनस, N1 की जगह पे रखेंगे हम लोग 1, राइट, इधर रखेंगे 7 - 1 + 1। अब ध्यान से सुन बेटा, एकदम सिंपल है, 7 में से 1 गया, बचा कितना, 7 में से अगर 1 चले जाता है तो बचा कितना 6, और ये +1 वैसे का वैसा, और 7 में से 1 गया कितना बचा 6, राइट, 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 7 का कितना होता है 42, 42 को डिवाइड कर 2 2 4, 2 1 2, 21 आ गया, कृष्णा दो रोल नंबर 21, क्या है आपको समझा पक्का, अनिकेत जी आपको समझ में आया क्या, ये जल्दी बताओ, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। आगे की तरफ चलते, देखो इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम 6th to 7th orbit, तो भाई 6 to 7 बोला है ना, मतलब क्या, ये N1 हो गया, ये क्या हो गया N2, अब बताओ इसको सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी, फास्ट जल्दी, बॉयज एंड गर्ल्स लेट मी नो, आप ही मेरी ताकत हो, जल्दी बताओ मेरे को, क्रिस्टल क्लियर है दिव्या जी, वेरी गुड, चलो जल्दी इसको आंसर बताओ, सिंपल है ना बेटा, N2 - N1 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ब्रैकेट में N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, N2 कितना है 6 - 2, 6 - 2 + 1, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे से पहले अगर आंसर निकाला तो ही आप किंग हो, ये 6 में से 2 गया 5, 5 × 6 में से 2 गया 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 2 5 6 5 25 5 6 30, 2 2 1 2 कितना बचा, 1 2 5 10 15 आ गया क्या भाई, 10 से आएगा क्या, 10 10 10 लिख रहे हो आप लोग, 10 आएगा पक्का 10 आएगा, फिर मेरे से गलती हो गया रहेगा, 15 लिखा रहेगा, मैंने जिसको अटकाना था अटका दिया ना, 15 15 लिख रहे भाई, 10 आएगा 10, दिमाग खोल के बैठो, 10 आएगा 10, 6 में से 2 गया ना भाई, 6 में से 2 गया तो 4 आएगा 5 नहीं, अटकाया ना आपको भी, ठीक है। देखा कुछ कुछ बच्चे रहते खाली कॉपी मारते, 4, ठीक है, फिर 4 6 कितना बता दो, 6 24 24, नीचे 2 2 1 2 2 2 4, ऐसे करके सॉल्व करो बस, सिंपल है फिर, ठीक है, 6 में से 2 गया, इधर भी 4 हो जाएगा, 4 + 1 इधर 5 हो जाएगा, मतलब 4 फायदा होगा, ये कितना होगा 4 फायदा होगा, ठीक है, और 5 और 20 होता है, फिर 20 ऊपर रहेगा, नीचे 2 रहेगा, फिर 10 आएगा, अब अटके ना आप लोग, समझे कि नहीं समझे, ऐसे मिस्टेक मत करना, देखो अभी भी लिख रहा है एक बच्चा 15, भाई 10 आएगा ना 10, 100 लिख दे रहा भाई साहब का जॉब, 1000 लिख दे रहा है, ठीक है, सार्थ भोसले आंसर लिखाओ, चलो नेक्स्ट, ऐसे मिस्टेक मत करना जल्दी जल्दी में। ये वाला देखो, ये वाला तो सिंपल है, 6th और 3rd के लिए ऑर्बिट के लिए निकालना है, वैसे ही निकालना है सेम, अभी वाला ट्राई करो, चलो ये वाला ट्राई करो, चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये वाला ट्राई करो, चलो ट्राई दिस, फास्ट ट्राई करो इसको,
माइक बंद करो। एन इक्वल्स टू 5। ओके लेट्स सी, ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करना है। 5, वेरी गुड, आ गया ना बच्चों को, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आगे नेक्स्ट चलो, 50 वाला करो। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है भाई, सीधी सी बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सेकेंड और थर्ड वाला सिंपल है। इसको भी ट्राई करना, ये वाले भी ट्राई करो नेक्स्ट वाला, ठीक है। और फिर ये सब सेम ही सेम प्रॉब्लम से आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये वाला ट्राई करो चलो, थर्ड लाइन इन ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मतलब एन इक्वल्स एन वन 4, एन टू कितना 7, सिंपल सिंपल है। ये सब आप ट्राई करो आपको आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी बाकी की चीज़ें ट्राई करो आप लोग, ठीक है। मेरा भी मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि बच्चे आई थिंक कुछ मैसेज करके बोलते हैं कि सर का समझ में नहीं आ रहा है, सर का समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, चेंज करो भाई। तो बोला ठीक है फिर देखते अभी, चलो देखो आप लोग, ठीक है सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। कल हम लोग फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सके तो थोड़ा पढ़ेंगे, ओके। हाँ भाई देखो, एक तो गुस्से में बोल रहा है अथर्व कुलकर्णी बोल रहा है यस छोड़ो आप, ठीक है भाई मैं छोड़ता हूँ, आप आके पढ़ा लो, ठीक है ओके चलो। तो अभी देखते ठीक है नेक्स्ट लेक्चर कब होता है।
नहीं नहीं कैसे ललित, कुछ बच्चे बोल रहे कि नहीं भाई सर का समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है तो क्या करूं मैं? तो नो वर्ड्स टू से, चलो गुड बाय, बंद करो। क्या हुआ? अभी तो पढ़ना नहीं, नहीं पढ़ाना।